मतलब 501 नीट एनडीए क्लियर टीएस और आईआईटी खड़गपुर मद्रास में भी स्ट्रीम्स मिल रही हैं कुछ। सो आई एम 3 times नेशनल विनर इन साइंस एग्जीबिशंस एंड हैकेथॉन्स कलेक्टिवली माय गॉड बट यार, तू एनडीए मेरे में क्या कर रही है यार तू? को नहीं पता था कि साइक इज समथिंग कि जो आप जो लिख रहे हैं आपकी पूरी जिंदगी के एक व्याख्या वो साइकोलॉजिस्ट देख लेता उस चीज से। सो आई वॉज नॉट अवेयर, मेरे को तो बस वो पता था कि हाँ स्टोरी राइटिंग होती है। इंग्लिश को बोलने की कुछ, जैसे मैंने अगर एक दो बोला था ऐसे बीच में इंग्लिश, तो तेरे को हिंदी नहीं आती है क्या? सर आती तो है, तो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, तो हिंदी बात करना। रिटायरमेंट प्लान क्या था सर आपका? आप वापस यहाँ पे सर, यू आर सर्विंग। तो उन्होंने बोला कि यही मेरा रिटायरमेंट प्लान है, आई एम एंजॉइंग दीज काइंड ऑफ शिट्स विद यू। फिर भागते हुए गए, 2 ही बाथरूम था, एक बाथरूम में 2 बंदे घुस के नहा रहे, तो बाल्टी से नहा ले, मैं शावर से नहा लेता। फिर नीचे देखा, मैं यार वन प्रदीप से भी बोला सही में असली मेरिट लिस्ट से कि ऐसे ही कोई नौटंकी कर रहा मेरी सिलेक्शन हो गई, है। मेरी तो सिलेक्शन हो मेरी गई। सिलेक्शन SSB या फिर डिफेंस, डिफेंस इज ऑल अबाउट प्रिजर्वेंस, कितना आप परसिस्टेंट है या फिर कितना आप कंसिस्टेंट है उस चीज को लेके। सबसे बड़ी बात ही डिफेंस की ये चीज है कि वी आर प्रिजर्वेंस एज हेल्थ। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट प्रदीप सिंह। स्पेशल इसलिए बिकॉज ही इज TESAIR1, AIR1 है बंदा। एंड थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू होस्ट यू। इसकी कहानी काफी दिलचस्प है फॉर द ऑडियंस बिकॉज ही इज एन एयरफोर्स ब्रैट। वहीं से इनको प्रेरणा मिली एयरफोर्स ज्वाइन करने की। एंड फोर अटेम्प्ट ही हैज गिवन फॉर SSB। फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस आउट फ्रेशर एज यू नो, वेंट टू LWS, आर घनिष्ठ मित्र एंड फ्रेंड ऑफ अ चैनल। हाँ, फ्रेंड ऑफ द चैनल। एंड वहाँ पे कोचिंग ली इन्होंने। एंड ड्यू टू हिज हार्ड वर्क ही हैज क्लियर्ड बोथ NDA एंड TS। NDA में आई थिंक यू हैव गॉट AIR 47, 47 यस सर। 47, और TS में AIR 1। और जो इंटरटेनिंग बात है कि AIR 1 के बाद सर जी स्क्रीन आउट हो गए हैं नेवी 10+2 एंट्री में। ठीक है, सो ये भी हो सकता है। दिस क्लियरली प्रूव्स कि स्क्रीनिंग इज 50% ऑन लक, नो वन कैन डिनाई दैट। सो इसलिए दिल छोटा मत करना स्क्रीन आउट वाले जो देख रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, थैंक यू सो मच भाई चैनल पे आने के लिए। बहुत सही लग रहा थैंक है, यू सो मच सर फॉर बड़े इनवाइटिंग दिनों अस। बाद AIR 1 को देख रहा हूँ चैनल पर, तो खुद भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत महीनों से रिजेक्शन देख रहा था, फेस कर रहा था। मैं तुझसे बस एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट डू एनी शेर व शायरी सो दैट यू आर यू नो सर सेफ अहेड। बट आई हैव हर्ड दैट यू हैव गॉट वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी एंड बहुत लड़कियां हैं आपके साथ, आपकी मित्र जो मुझे पता चला है। सो थैंक यू सो मच। थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता यार कि हु इज प्रदीप सिंह एंड एनीथिंग व्हिच आई हैव नॉट कवर्ड, तो डू शेयर दैट एज वेल। ओके सो सर आई एम प्रदीप सिंह सर एंड करेंटली डूइंग नथिंग, तो बेरोजगार बैठा हुआ हूँ घर पे। एंड इन अ नटशेल सर, आई हैव लेफ्ट IIT एंड ओके गिवन प्लेंटी ऑफ एग्जामिनेशंस, लाइक 11 12 कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इवन नीट एज वेल। आई वाज अ PCMB गाय ओ ग्रेट ग्रेट, यू क्लियर नीट, सर, आई स्कोर 501 मार्क्स नॉट बैड यार। मतलब 501 नीट एनडीए क्लियर टीएस और आईआईटी खड़गपुर मद्रास में भी स्ट्रीम्स मिल रही हैं कुछ। सो आई थिंक ये सर। तो मतलब घर वालों के तो वो लग गए होंगे यार, आपका बेटे बेटा है सिंगल और कमिटेड। घर वालों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन बेइज्जती और ताने भी उतने मिलते हैं सर। स्टिल लव आई वाज कि हाँ, मतलब अब तो थोड़ा सा मतलब हो गया कि हाँ, अब एक फील्ड पता है कि हाँ आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट थिंग।
बट स्टिल कि हाँ पूरे दिन पड़ा रहता है, रनिंग पे तो जाएगा कम से कम, नहीं तो जाके जाके गिर जाना वहीं पे पहले दिन पे। अंकल आंटी ये लड़का बहुत भागने वाला है, सो प्लीज डोंट वरी, लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ करंटली। यस सो इतने सारे एग्जामिनेशंस एंड ऑल देने के बाद अभी ऐसे खाली बैठा हूँ। एंड करेंटली सर, एज यू हैव टोल्ड दैट आई हैव क्लियर्ड एनडीए एंड टीएस रिकमेंडेड फ्रॉम बोथ द एंट्रीज, एंड बाय द गॉड ग्रेस, मेरे को भी नहीं पता कैसे, बट आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 इन टीएस एंड ऑल इंडिया रैंक 47 इन इंडियन। सो इट्स अ ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट सर, नॉट फॉर मी एज वेल, फॉर द होल फैमिली एंड इवन द एलडब्ल्यूएस फैमिली। लाइक जो गलतियां उन्होंने गिनाई मेरे को, वो जरूरी थी कहीं ना कहीं, क्योंकि व्हेन यू गेट टू फर्स्ट अटेम्प्ट, लाइक मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि आई विल गेट स्क्रीन्ड इन और नॉट, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी स्टोरी है फर्स्ट अटेम्प्ट की भी। लाइक इन फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए 152, मेरी ओरिजिनल डेट 29 जनवरी थी 2024, बट उसी दिन मतलब 27th को मेरी जेई की अटेम्प्ट थी। सो आई हैव टू मेल देम कि भाई मेरी मेरी ऐसे सॉरी जेई मेंस की डेट आई हुई है, सो इफ यू कैन प्रीपोन और गिव मी सम अनदर डेट। तो उन्होंने बोला कि 21 22 इज ओनली अवेलेबल, तो यू शुड कम ऑन दैट डे। ओके, मेरा मन, मेरा तो दिमाग में ये था कि कुछ तैयारी नहीं है, मैं जा रहा हूँ स्क्रीन आउट होने, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ओनली थिंग दैट वॉज इन माई हैंड्स वॉज ओ आई आर, बिकॉज पीपीडीटी जिस हिसाब से लिखी जाती है या फिर जो एक तरीका होता है लिखने का कि हाउ डू यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, वो मेरे को नहीं पता था कहीं ना कहीं। आई वॉज लाइक कि हाँ, मैं अभी भी वो 10th वाले मोड में था कि स्टोरी राइटिंग करनी है, थोड़ा सा पिक्चर डिस्क्राइब कर दूंगा, थोड़ा सा कैरेक्टर डिस्क्राइब कर दूंगा, हो गया मेरा काम, स्टोरी डन, लास्ट में एक पॉजिटिव एंड दे देना है मेरे को। सो दिस वॉज माई पीपीडीटी पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ ऐसे मेरे को करनी है। लकली आई गॉट स्क्रीन इन, बहुत अच्छे लोग मिले मेरे को वहां पे। अब स्क्रीन इन होने के बाद सबका एक बार को कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है फ्रेशर अटेम्प्ट में, तो खास करके हाँ भाई अब तो आई एम गोइंग टू गेट रिकमेंडेड। बट गांधीनगर ने बहुत अच्छा रियलिटी चेक दिया मेरे को कि बेटा यू आर नॉट अप टू द लेवल अभी, खासकर मेरे इंटरव्यू सर ने, लाइक 20 20 मिनट मेरी इंटरव्यू चली थी, एंड ही आस्क्ड मी अबाउट कि हाँ एनडीए का मेरे को इनसिंघिया बता दो। आई वाज लाइक सॉरी सर नहीं पता। अच्छा बैड मोटो क्या है? अब सर्विस फॉर सेल्फ मेरे दिमाग में घूम रहा है, लेकिन आई वाज थिंकिंग कि नहीं शायद आईएमए का है, और मैं बोलूंगा तो फिर रगड़ा जाऊंगा। मैं बोला सॉरी सर आई डोंट रिमेम्बर नहीं, सर, इट्स स्टिल तो ओके बोला दैट यू हैव सेड इट्स आई एम सॉरी आई डोंट नो, बिकॉज़ यू नो समवन इन इंटरव्यू सेड कि आई ही गॉट आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, ही सेड सर सेल्फ बिफोर सर्विस। सर ये तो सर एक बार को इंटरव्यू ऑफ ट्रैक हो जाए इंटरव्यू में बोलेगा भाई तो तू ये सब छोड़ यार, तू ऐसा कर तू स्टार्ट रोलिंग। तो ग्रेट वहां पे है। सर आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट, तो वहां पे मेरे को लगा कि ना दिस इज नॉट द थिंग, एसएसबी इज नॉट हलवा, वो तो पहले भी लगता था, बट उस समय ज्यादा रियलिटी चेक मिल गया। बाकी सर कमिंग बैक टू माय हॉबीज एंड ऑल, तो आई एम इनटू सम टेक्निकल साइड, सो टेक्निकल बाय टेक्निकल आई मीन कोडिंग वगैरह, सिंस क्लास 7th एंड ऑल आई एम डूइंग कोडिंग एंड इंजीनियरिंग स्टफ्स हल्का फुल्का, जस्ट बिकॉज स्कूल वॉज ATL, इफ यू नो अबाउट की ATL टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब जो कि नीति आयोग ने सेटअप किया हुआ। ओके सो हम लोग के स्कूल में वो थी, तो वी यूज टू कम्पीट फॉर साइंस एग्जीबिशंस एट द नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। सो ओके आई एम 3 टाइम्स नेशनल विनर इन साइंस एग्जीबिशंस एंड हैकेथॉन्स कलेक्टिवली। माय गॉड यार, तू एनडीए में क्या कर रही है यार सर तू। एवियोनिक्स से प्यार है इसलिए एवियोनिक्स जा रहा हूं। चल गुड यार, मतलब फौज में पढ़े लिखे लोग आएंगे ऐसे तो यू कैन बिकम द नेक्स्ट एक वो, अभी यू माइट हैव हर्ड कर्नल, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, क्लैशनकोव। या सर आई सो हर्ड या या हाँ या सो हाँ द दैट ऑफिसर ही हैड मेड गन फॉर द आर्म फोर्सेस, आई डोंट या नो द एग्जैक्ट एग्जैक्ट 300 डिटेल्स। राइफल्स आई गेस, यस हाँ या सो उनके बारे में ही वाज इन यू नो कन्वर्सेशन ऑन ट्विटर। सो या डेफिनेटली आई थिंक वो टेक्निकल में अगर आप रहो तो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट
इन डिफरेंट वेज. हाँ सो दैट्स एग्जैक्टली ग्रेट. सर. सो प्लीज कंटिन्यू व्हाट यू सेइंग सेइंग एग्जीबिशन सो एग्जाम्स. साइंस एग्जीबिशंस वगैरह होते थे, लाइक एटीएल जो नीति आयोग है वो कंडक्ट कराता था, लाइक एटीएल मैराथन. आइदर एक बार सर नीति आयोग ने इसरो के साथ आफ्टर चंद्रयान 2 फेलियर, जो वी वुड नॉट कंसिडर इट एज अ फेलियर, वी लैंडेड ऑन इट, एंड कहीं ना कहीं इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट हमारे इंडिया के लिए, तभी हम लोग चंद्रयान 3 तक पहुंचे. सो एनी बिल्कुल वे सर, वो एक जो मिस हैपनिंग हुई थी, लाइक द चंद्रयान 2 गॉट रोवर जो उलट गया था. सो उसके बाद यंग साइंटिस्ट लाइक एक कॉम्पिटिशन वगैरह ऑर्गेनाइज करवाया था नीति आयोग के साथ मिलकर इसरो ने, टू सीक सम ऑफ द सॉल्यूशन फॉर इट, कि हाउ कैन यू नो फिक्स दिस थिंग, या फिर इस चीज को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं इन आवर अपकमिंग मिशंस. सो उसमें सर आई हैव मेड एन ऑनबोर्ड कंप्यूटर, लाइक ऑन ऑन द बेसिस ऑफ ए आई एंड एम एल, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग. वो ऐसा था कि सर मतलब वो अपने आप से, मतलब इन केस ऑफ अ कम्युनिकेशन ब्रेकेज, वो खुद से लैंडिंग साइट ढूंढ के उस चीज को एनालाइज करके, अकॉर्डिंग टू इट कैलकुलेशन एंड ऑल, ट्रेजेक्टरी वगैरह देख के वो खुद लैंड करने की कोशिश करता. लाइक इट्स नॉट हंड्रेड डैम परसेंट श्योर, बट हाँ हो जाता है ऐसे. इम्प्रेसिव तो आई यार. टेस्टिफाइड इट हल्का फुल्का. यूट्यूब पे वीडियो भी है सर उस चीज की. वी हैव टू डू सबमिशंस, लाइक वीडियो सबमिशंस, ओके तो इसलिए ओके ओके तो उस चीज पे. तो वी आई विल शेयर गॉट इट विद द इसरो रिकमेंडेशन ऑडियंस लेटर. इन द डिस्क्रिप्शन देन. ग्रेट हाँ ओके. सो आई गॉट आफ्टर दैट हम लोग को सेलेक्ट किया गया लाइक टॉप 75 प्रोजेक्ट्स, एंड आई गॉट रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम इसरो वाह आफ्टर दैट. तो वो सर बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज लाइक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इज समथिंग की मैं बहुत एडमायर करता हूँ, जस्ट बिकॉज इवन दो आई एम हैविंग द मोटिवेशन ऑफ ज्वाइनिंग एयरफोर्स, पापा वॉज एन एक्स सर्विस मैन एंड ही वॉज द सोल सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऑब्वियसली, बिकॉज वो मिग 27 टेक फ्लाइट, ही वॉज ऑल्सो इन रेडियो फिटर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का भी. तो उस चीज को देखते हुए भी आई वॉज मोर इन टू द फ्लाइंग थिंग्स, एरोनॉटिकल थिंग्स, एंड इसरो वॉज अगेन अ बूस्ट टू इट. तो वो बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए सर. उसके लिए तो आई वॉज लाइक 21 डेज लगातार मैं उस चीज के पीछे पड़ा हुआ था कि हाँ भाई करना है करना है करना है अकेले. तो भाई, ये चीजें बाकी सुन के मुझे फिर ऐसा लग रहा है यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर एनडीए यार. दो सर. ग्रेट यार, दैट्स अमेजिंग. आई हैव नेवर मेट सच अ गाय, सो दैट्स वंडरफुल. सो यू आर श्योर कि बाहर, यू नो, यू डोंट वांट टू परस्यू अ करियर आउटसाइड एंड आर्म फोर्सेस इज द थिंग. हाँ एक्चुअली सर मे बी आप, आपके पास तो खुद इतना बढ़िया बैकग्राउंड है अबाउट आर्म फोर्सेस, यू नो कि एक आर्म फोर्सेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर देता है आपके लिए कि वेयर यू हैव अ हेड स्टार्ट, कि हाँ इसके आगे यू कैन गो, वो एक हेड स्टार्ट मिल जाता है आपको. बाकी जगह यू आर यू नो नॉट अगेंस्ट एनी वन, बट वो कॉर्पोरेट कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है हल्का फुल्का, यू कांट थिंक ऑफ योर सेल्फ. तो वो थोड़ा सा आई फेल्ट. अब बाकी तो हाउ बॉस ट्रीट्स मी एंड हाउ आई ट्रीट बॉस, वो तो बाद में देखेंगे. बट दैट्स गुड. थ्रिल्ड. तो यार लेट्स कम टू द रिटन पार्ट बिकॉज मेनी एनडीए एस्पिरेंट्स आर वॉचिंग दिस. हाउ मेनी मार्क्स डिड यू स्कोर इन एनडीए रिटन फर्स्ट ऑफ ऑल? तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल मार्क्स लिस्ट सर, एनडीए रिटर्न में आई हैव स्कोर 400, बट ऑफिशियल अनऑफिशियली जो मैंने चेक किया था आई वाज एक्सपेक्टिंग 450, बट एनीवेज जो आई इट्स गुड, गॉड ग्रेस. एंड बाकी सर आई हैव गिवन रिटर्न ऑफ एनडीए 3 टाइम्स, एनडीए 152, 153 एंड 154 दिस टाइम. तीनों में क्वालिफाइड हूँ, एंड एनडीए 152 का तो कॉन्फ्रेंस आउट, 153 गॉट रिकमेंडेड. सो व्हाई डू यू थिंक यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में? सब प्लेंटी ऑफ रीजंस एंड प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स. लाइक जब आपको SSB की इनसाइट नहीं होती ना, यू हैव जस्ट रेड और रेड अबाउट SSB की, हाँ दिस इज अ 5 डे प्रोसेस, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइक देन GTO देन इंटरव्यू. तो इंडिविजुअली तैयारी करने के बजाय यू डू कि हाँ सब एक साथ करूंगा तो हो जाएगा व्हेन यू डू ऑन योर ओन. सो साइक वॉज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, एंड मेरे को ऐसा लगता था, मेरे लिए पर्सनली मेरे को ऐसा लगता था कि इजी है उसमें, बट मेरे को नहीं पता था कि साइक इज समथिंग कि जो
आप जो लिख रहे हैं आपकी पूरी जिंदगी के एक व्याख्या वो साइकोलॉजिस्ट देख लेता उस चीज से। सो आई वॉज नॉट अवेयर, मेरे को तो बस वो पता था कि हाँ स्टोरी राइटिंग होती है वही वाला थोड़ा सोच कि आई हैव टू डिस्क्राइब पिक्चर एक दो ये एंड दैट्स इट। ग्रेट. अच्छा तेरे 47 है इसमें, AIR 47 NDA में, तेरे रिटर्न स्कोर इज ऑल्सो गुड, बट 47 के हिसाब से आई थिंक SSB में यू माइट हैव स्कोर्ड वेरी नाइस मार्क्स. हाँ एसएसबी सो में सर SSB में आई हैव स्कोर्ड कितने? 434। ओ ग्रेट, दैट्स वेरी नाइस. 434 इज वेरी गुड. अच्छा थोड़ा इसके बारे में शेयर कर, रिगार्डिंग द चेंजेस इन पर्सनैलिटी विच वन नीड्स टू यू नो स्टार्ट, लेट्स से बी इट कम्युनिकेशन स्किल्स या फिजिकल फिटनेस, व्हाट आर द थिंग्स वन शुड स्टार्ट व्हेन ही इज इन 11th इटसेल्फ? ओके सो सर व्हेन अ पर्सन इज एमिंग फॉर डिफेंस सो 11th में यू आर गोइंग फॉर आइदर टीएस एनडीए नेवी टेक। सो आई वुड सजेस्ट जो मेरा था सर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड एनडीए कॉन्सिक्यूटली कि इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई लेवल लाइक द मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो ये तीन चीज आई एम क्लियर ऑफ इन माई एनडीए एग्जामिनेशंस। जो चीज मेरे को तंग करेगी वो करेगी आइदर हिस्ट्री दो सब्जेक्ट्स दो अदर 9 सब्जेक्ट अदर 4 सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री सिविक्स करेंट अफेयर्स एंड ज्योग्राफी जो कि मैं लास्ट टाइम में कुछ कवर कर लूँ या फिर हल्का हल्का मैं करते चलूँ लाइक व्हेन आई गॉट द डेट कि हाँ भाई 21 अप्रैल को एग्जाम है तो मैं 20-25 दिन से पहले थोड़ा हल्का हल्का आई विल ब्रश अप। तो मेरे हिसाब से फॉर अ पर्सन हु इज एमिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशंस आपके पास 3 एंट्रीज खुल जाती है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जी एंड एनडीए बोथ। सो इस चीज में हो जाता है कि यू गेट 5 SSB अटेम्प्ट 5 नहीं 6 SSB अटेम्प्ट 2 ऑफ एनडीए एंड 2 ऑफ टीएस एंड नेवीटेक रिस्पेक्टिवली सो यू गेट 6 SSB अटेम्प्ट। सो फॉर अ पर्सन हु इज इन क्लास 11 आई वुड सजेस्ट कि मैथ्स क्योंकि मेजरली जो मैंने सुना एंड मेजर लोग जो फेस करते हैं दैट इज एन इशू इन मैथ्स जो सेक्शुअल कट ऑफ मेन लोगों का फंस जाता है लाइक 75 आई तो 25% इस बार तो पिछले 2 साल से तो 20% पे। सो सेक्शुअल कट ऑफ इज द मेजर इशू फॉर द मेजर पीपल। सो बेटर है कि व्हेन यू प्रिपेयर मैथ्स एट अ गुड पेस लाइक आइदर यू गेट टू डू एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्योंकि एनसीईआरटी लेवल इज इनफ फॉर जेई मेंस एंड एनडीए पर्सपेक्टिव इन माय ओपिनियन। जेई एडवांस इज अ डिफरेंट लिंक बट फॉर द जेई मेंस एंड एनडीए एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर इनफ एंड आपको बहुत ज्यादा अगर ये है कि यू गॉट द कॉन्फिडेंस इन इट कि अब थोड़ा लेवल अप करना चाहिए तो लेवल अप करने के लिए आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा सकते हैं एंड द पर्सन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एडवांस एंड ऑल तो उनके पास तो बुक्स होती हैं द साइड बुक्स। तो मैथ्स आई वुड से कि एक फोकसिंग पार्ट होती है फॉर रिटन पार्ट एंड बाकी तो जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश एंड हिस्ट्री सिविक्स ये ब्रशअप पे लाइक यू हैव टू रीड इट कंटिन्यूसली कि वो जो एक पीरियड होता है लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर रीडिंग हिस्ट्री वो प्लेंटी ऑफ पीरियड्स मौर्यन मौर्यन एरा देन गुप्ता एरा देन यू कम टू मुगल एरा सो यू हैव टू रीड इट कंटिन्यूसली कि रिमेम्बर कि हाँ किसके में कौन सा कौन आया था या फिर किस में क्या मिला था प्लेंटी ऑफ थिंग्स तो यू हैव टू यू नो ब्रश अप कंटिन्यूसली। एंड फॉर द पर्सनैलिटी पार्ट फॉर SSB आई वुड सजेस्ट कि इट्स अबाउट कि आप एक तो हाउ यू लुक एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ मतलब ऐसा होता है कि बहुत लोगों में वो वेल्क्यूज होते हैं आई एम यूजिंग द टर्म वेल्क्यूज बट बहुत लोगों में होते हैं वो चीज़ कि एक बंदे को देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये रिकमेंडेड है स्क्रीनिंग के टाइम बट स्टिल ही बिल्कुल गेट्स कॉन्फ्रेंस आउट या फिर स्क्रीन आउट जस्ट बिकॉज कि उसको प्रेजेंट करने नहीं आ रहा है कि हाउ यस ही इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ कि अगर ही इज नरेटिंग अ स्टोरी तो उसमें भी वो कहीं ना कहीं फंबल कर जा रहा है या फिर वो चीजें लेके अपने आप को क्लियर नहीं है उसने लिखा कुछ और है लास्ट में जाके उसको अपने आप पे सेल्फ डाउट हो गया उसने चेंज कर लिया तो सेल्फ डाउट बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है व्हेन यू आर इन SSB क्योंकि बाकी बंदे ऐसे मतलब किताब लेके पढ़ रहे हैं फॉर साइक या फिर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं बिफोर इंटरव्यूइंग मतलब इंटरव्यूज एंड ऑल तो वो चीज एक सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है। बस उस चीज से अगर टैकल करने आ गए तो यू आर गुड टू गो क्योंकि एक बिल्कुल पर्सनैलिटी सब में होती है कहीं ना कहीं इफ यू आर गेटिंग स्क्रीन इन एंड यू आर गेटिंग अप टू दैट लेवल लाइक गोइंग टू द कॉन्फ्रेंस सो इट्स अ वेरी बिग डील। सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच. इस पार्ट को भी थोड़ा बता रिगार्डिंग रिसोर्सेस, आई मीन बुक लिस्ट और सम यूट्यूब चैनल्स व्हिच यू माइट हैव यूज्ड
फॉर रिटर्न एंड फॉर SSB। ओके सो सर फॉर द रिटन पार्ट द अरिहंत पाथ फाइंडर वॉज अ वेरी गुड बुक बिकॉज उसमें बहुत चीजें कंसाइज करके दी हुई है फॉर द हिस्ट्री से सिविक्स एंड जियोग्राफी पार्ट बिकॉज वो मेरे लिए ज्यादा लेंदी है बिकॉज इट्स अ वास्ट सिलेबस एनडीए इज कंप्राइजिंग ऑफ 9 सब्जेक्ट्स यू कांट मास्टर एग्री, एवरी सब्जेक्ट सो इफ आई एम मास्टरिंग मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो कुछ चीजें मेरी लो पे होंगी जिसके कारण मेरे मार्क्स भी गिरेंगे तो उस चीज को टैकल करने के लिए आई वॉज विथ अरिहंत पाथ फाइंडर इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी फॉर रिटन पार्ट उस चीज के लिए एंड फॉर यूट्यूब चैनल्स ऐसे मैंने कोई देखे नहीं थे एनडीए के लिए लाइक आई वॉज नॉट डेडिकेटली प्रिपेयरिंग फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स बट एलडब्ल्यू से मैंने एक दो देखे थे लाइक वन शॉर्ट्स लास्ट टाइम करेंट अफेयर्स वन शॉर्ट या फिर एक जैसे वो आता है हिस्ट्री सिविक्स वन शॉर्ट इवन पीडब्ल्यू के भी दो तीन बहुत अच्छे थे तो इट वॉज गुड तो वो लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत अच्छा बट फॉर अ थॉरो रीचेक ऑफ योर सेल्फ की हाँ यू आर गेटिंग अप टू दैट लेवल और नॉट तो दैट इज फ्रॉम बुक एंड द पीवाईक्यूज तो पाथफाइंडर इज अ गुड बुक क्योंकि उसमें पीवाईक्यूज भी अवेलेबल है ओके, सो एंड फॉर द मैथ्स के एसएसबी पार्ट क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस किए? सर मैथ्स के क्वेश्चंस एक्चुअली देयर इज एन ऐप एनडीए क्वेश्चंस करके इन गूगल प्ले स्टोर सो उसमें सारे पीवाईक्यूज हैं फ्रॉम आई गेस 2010 और 2011 आई डिडंट सो एनडीए 1 2010 टू एनडीए 1 2024 जितने भी पेपर्स हैं सब उसमें अवेलेबल है सो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज और बाकी सर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई तो वो बुकलेट्स फिर वगैरह मैं सॉल्व करता रहता था तो अपने दे वर लाइक हाँ तो प्रैक्टिस DPPs फॉर यू, कम आई विल शो हाँ यू। हाँ डीपीपीज अच्छा, एंड ऑल फ्रॉम सर 120 क्वेश्चंस हाउ मेनी वर यू एबल टू डू? मेरी प्रोफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है लाइक आई एम नॉट स्पीडस्टर बहुत अच्छी बहुत मेरे साथ जो बंदे रिकमेंड हुए हैं कुछ तो बहुत अच्छे अच्छे रैंक मतलब बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स है रिटन में ओके, सो ग्रेट। प्रोफिशिएंसी नहीं है मेरी उतनी सो मैक्सिमम 55-57 तक जा पाता था मैं वाह, ठीक है, दैट इज गुड इनफ। बट वैसे आई थॉट दैट तू बोलेगा 70-80 नहीं बोलेगा। अटेम्प्ट होते थे सर बट हाँ 57 वाज कि ऐसा कि आई एम श्योर शॉट हाँ ये गलत नहीं होगा अटेम्प्ट्स आई यूज्ड टू डू 70-72 अच्छा, फिर तो ठीक है, फिर तो हाँ गुड इनफ। तू SSB का कुछ बोल रहा था, आई शिफ्ट शिफ्टेड योर डायरेक्शन हाँ दैट थिंग। या सर सो यू आस्क्ड अबाउट द रिसोर्सेज फॉर एसएसबी सो एक चीज है सर कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी बुक्स फॉलो की थी नाम नहीं लूंगा बुक्स फॉलो की थी मैंने नहीं सो नहीं वो बोल, कहीं ना नाम कहीं बोल ले, अगर अच्छी थी तो बोल, इफ इट हेल्प नहीं यू। सर नहीं थी तभी तभी बोल अच्छा, रहा हूँ सो मैंने साइक के लिए ली थी मेजरली लाइक एसएसबी ओएड ऑफ एसएसबी क्रैक वाज वेरी गुड उसके अलावा मैंने एक साइक के लिए ली थी साइकोलॉजी टेस्ट के लिए एंड कहीं ना कहीं उसने मेरे इतनी हैम्पर किया ना साइक क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था कि हाँ भाई एसएसबी रिकमेंड होना है साइकोलॉजिस्ट से तो ये लिखना एंड मेरे को जीरो आइडिया था कि भाई ऐसा नहीं होता यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ मेरे को लगा कि आई हैव टू रिप्रेजेंट द बुक तो गलती कहीं ना कहीं मेरी इज भी थी आई एम नॉट ब्लेमिंग द बुक बट स्टिल वो कहीं ना कहीं मेरे थोड़ा हैम्पर इट अ कर दिया उस वेरी चीज को लेके फेमस कंपनी? हाँ वेरी वेरी फेमस सर चलो, ननदलेस इसका थोड़ा बताया यार ऑडियंस को, कॉन्फिडेंस आउट हो गया आप, ठीक है। अब व्हाट वाज योर रिएक्शन जब ये हुआ, और यू नो कॉन्फिडेंस आउट, थोड़ी सेल्फ एस्टीम को भी धजियां लगती हैं, बहुत ज्यादा तो सर हाउ डू यू फर्स्ट डील विद टाइम दैट? अब सर हुआ क्या ना मैं थोड़ा सा नहीं बबल में था क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया मेरे को कुछ नहीं पता था तो मैं साइक स्टोरीज लिख के आया जो बंदे कोचिंग लेके आए हुए थे जो बंदे रिकमेंड हुए मेरे साथ एक तो अभी एकेडमी में भी है सो जो बंदे रिकमेंड हुए थे मेरे साथ तो उन्होंने मतलब अपनी स्टोरीज बताई मैं अपने बोल रहा था यार इससे तो बढ़िया लिख के आया हूँ मैं साइक तो पास कर देगा मेरे को जीरो आइडिया था कि मेरे को लात मार के बाहर निकाल देगा बाकी जीटीओ वाज गुड जीटीओ इंडोर टास्क एंड आउटडोर टास्क दोनों अच्छे हुए थे लाइक इंडोर टास्क में आई परफॉर्म वेरी वेल आउटडोर टास्क में भी आइडियाज एंड इम्प्लीमेंटेशन मेरे सही चल रहे थे इवन सीटी में भी आई गॉट हार्ड वन तो कहीं ना कहीं जीटीओ वाज ओके कि ओप हाँ सर जीटीओ लाइव, ठीक है है ना? इंटरव्यू हाँ कैसा था उसका जिसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ? सर वही बता रहा था कि इंटरव्यू वाज 20 मिनट्स लॉन्ग जिसमें उन्होंने नाम वगैरह पूछा
पूछा व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू ज्वाइन. मैं बोला सर एक्चुअली माय फादर वाज इन इंडियन एयरफोर्स एंड ऑल, ही वाज रेडियो फिटर 22 स्क्वाड एंड टेक फ्लाइट. वो अच्छा, तो तेरे को क्या फैसिनेट करता था? वो सर आफ्टर बर्नर्स है, आफ्टर बर्नर्स द इंजन व्हेन दे वो फायर जो बाहर निकलती है दैट इज एग्जॉस्ट. तो आई वाज लाइक सर आफ्टर बर्नर्स. वो अच्छा, सो टेल मी थ्री टाइप्स ऑफ इंजन दैट आर करेंटली इन यूज इन एयरफोर्स. मैंने बताया सर टर्बो फैन, टर्बो जेट एंड टर्बो प्रॉप. ओके, सो व्हाट आर द एयरक्राफ्ट व्हिच आर बीइंग ऑपरेटेड एट टर्बो फैन? मैं उस समय राफेल का बहुत चल रहा था, मतलब आया ही था, तो आई वाज सर सर राफेल देन Su-30. ओके, सो फिर वो राफेल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में घुस गया था सर कि अच्छा व्हाट इज इट्स रेंज, देन उसके रडार कौन सा यूज कर रहे हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड ऑल. तो बताया सर स्पेक्ट्रा यूज कर रहे हैं, 4000 पेडी रेंज वगैरह वगैरह सब बोला मैंने. वो अच्छा, फिर बोले कि सीआईक्यू, मतलब कुछ सीआईक्यू हुआ ही नहीं 20 मिनट में, आई वाज लाइक डन. उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा चल तेरे को एनडीए जाना है, तू एक बात बता तू आया कहाँ से? मैं सर अभी तो घर से आया हूँ बट आई वाज इन कोटा. तो फिर वो कोटा पे थोड़ा सा ग्रिल करने लगे कि यू वेंट टू कोटा, यू डोंट हैव इनफ योर मोटिवेशन टू ज्वाइन एनडीए. अगर एनडीए ज्वाइन करने की मोटिवेशन रहती तो तू एनडीए की प्रिपरेशन करता, जेईई क्यों कर रहा है? आई वाज लाइक सर कंसिक्यूटली कर रहा हूँ. एंड वो होता है कि जेई की करने पे एनडीए में हेल्प ना, तू है ही नहीं मोटिवेटेड, तू गोली दे रहा है मेरे को ये वो करके. अच्छा उधर से बोला अच्छा तेरे को इतना है ना, तो ये बता कि ट्रेन से अगर मेरे को कोटा से वहां जाना हो पुणे, मतलब एनडीए जाना है, तो कैसे जाएगा? मैं बोला सर ट्रेन लूंगा अवध एक्सप्रेस ये वो, फिर वहां से टैक्सी पुणे, फिर खड़कवासला, ऐसे करके मैंने बताया उन्हें. तो उन्होंने बोला अच्छा किलोमीटर्स में बता. अब गलती से मेरे मुंह से निकल गई 1500 किलोमीटर, जबकि है वो 1200 के आसपास, तो 300 किलोमीटर का गैप आ गया. दैट इज फाइन यार, तो मतलब यू आर ऑल्सो गिविंग एन एस्टिमेट ओनली. हाँ आई वाज गिविंग द एस्टिमेट, तो उन्होंने लुक दिया मेरे को. मैं बोला अच्छा ठीक है गलती हो चुकी है यहाँ पे. उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा इनसे क्या बता दे मेरे को एनडीए का. मैंने सोचा थोड़ी देर में, सॉरी सर आई डोंट नो. मैं अच्छा इनसे क्या नहीं पता है, अच्छा चल ये बता दे मेरे को कि मोटो क्या है एनडीए का. तो मैं सर्विस बिफोर सेल्फ मेरे दिमाग में घूम रहा था, बट आई वाज लाइक कि नहीं ये शायद आईओबी का, एनडीए का कुछ और है. मैं बोला सॉरी सर आई डोंट नो. अब वहां पे जो उनका रिएक्शन था ना ऐसे, मतलब सर पकड़ के बैठ गया. मैं बोला भाई चलो ये तो हाथ जोड़ दिए. फिर उसके बाद फिर थोड़े 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हुए अबाउट फैमिली एंड ऑल. फिर ही सेड कि या डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? नो सर. ओके यू विल लीव. तो 20 मिनट में मेरे को वहां से हटा दिया. अब वो बबल ऐसा था ना कि मैं रात में ऐसा सोच रहा था कि हाँ भाई जीटीओ अच्छा गया, इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं थोड़ा टेक्निकल गया, तो क्या पता दे दे. एंड साइक में तो मेरे को लग रहा था कि स्टोरीज लिख के आया इनसे बेटर में. तो रात में मेरे सपने रिकमेंडेशन गए कॉन्फ्रेंस से एक रात पहले. ओ भाई आई एम गेटिंग रिकमेंडेड कल सुबह, जिस नंबर बोला जाएगा. तो सुबह कॉन्फ्रेंस हुई हम लोग की, वेटिंग मतलब ऐसे वेटिंग रूम में बैठाया गया हमारे जीटीओ ग्रुप को. नाउ 3 पर्सन जो रिकमेंड हुए वो क्लियर थे कहीं ना कहीं, मतलब वो नहीं वाइब आ जाता. एक बंदा तो श्योर शॉट क्लियर था कि हाँ अनफॉर्चुनेटली ही गॉट मेरिट आउट, बट वो ऐसा था कि पूरे बैच को लग रहा था कि हाँ ही इज गेटिंग रिकमेंडेड. तो उसकी कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं चढ़ी, उसके 10 बार मेरी थी. तो आई वेंट देयर, उन्होंने बैठाया, तो पूछा मेरे से कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस, हाउ डू यू रेट योर सेल्फ. अब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई परफॉर्म किया सब जगह, इंटरव्यू थोड़ा सा ये हुआ है. तो आई वॉज की हाँ सर साइक आई विल गिव माई सेल्फ 8, GTO 9 एंड Interview 8. मैं पक्का बता रहा हूँ सर, साइक सुन के बहुत हंसा होगा कि तू अपने आप को 8 दे कैसे रहा है. तो वहां से फिर रिजल्ट हुआ, तो आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट. अब वो धक्का बहुत गंदा लगा कि क्योंकि रात में तो सपने मेरे रिकमेंडेशन के थे. खड़ा हूं आज भी यही. तो बहुत गलत धक्का लगा मेरा. तो फिर आई वाज लाइक कि चलो ठीक है. और ऐसा धक्का था क्योंकि अब मैं आज कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, रात में मेरी फ्लाइट है और कल सुबह मेरा जेई मेंस है. तो ये इतना क्लिष्ट मोमेंट हो गया था कि मैं बोला हाँ एक तो डिप्रेस्ड, ऊपर से जेई मेंस, मतलब कांड ही हो रहे मेरे साथ. जेई मेंस में कितने हैं तेरे? सर पहले वाले में तो बहुत खराब आए थे, पहले वाले में तो 90 थे. उसके बाद दूसरे वाले में भी आई वॉज ऑन द वर्ज, मतलब ऐसे तो
जो जेई एडवांस की कट ऑफ गई थी ना, एकदम वर्ड्स पे था मैं। और ऑब्वियसली सर वो पिछले 2 साल मतलब जेई की जो प्रिपरेशन की थी मैंने वहाँ कोटा में, तो जी एडवांस में ही आई वॉज कॉन्स्टेंट परफॉर्मर। मेन्स में मेरे पता नहीं क्यों नहीं आते थे, एंड वही कंटिन्यू भी हो गया असल में भी। तो एडवांस में स्कोर ठीक ठाक, बाकी तो हाँ नहीं, अगर खड़गपुर और मद्रास मिल रहा है तो अच्छा ही किया होगा एडवांस में, डेफिनेटली। सर ब्रांच अच्छे नहीं है ना। ब्रांच तो यार ब्रांच ही क्या है, हमें तो कॉलेज से मतलब तो ये सर पहली SSB की एक्सपीरियंस थी है। ग्रेट यार, वंडरफुल। इसके बाद क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या था, बिकॉज सेकंड SSB भी अब आने ही वाली है, तो क्या स्टेप्स उठाए, एंड ऑल्सो शेयर अबाउट योर एक्सपीरियंस एट LWS, और खुद से क्या क्या किया वो सब थोड़ा बताओ यार। सो तो सर एक तो चीज मेरे को समझ में आ गई थी कि हाँ ये SSB इज नॉट अ पीस ऑफ केक, मेरे से नहीं होने वाला, अकेले तो नहीं होगा। आई हैव टू गेट सम गाइडेंस। जो जो चीज मैं लिख रहा हूँ या फिर जो चीज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो SSB के पर्सपेक्टिव से सही है कि नहीं वो कौन बताएगा, वो ऑब्वियसली एक एसेसर ही बता सकता है, खुद से तो आई कांट एसेस। तो उस चीज को लेके आई थॉट कि हाँ करेंगे। अब इधर जेई मेन जेई वगैरह एंड मल्टीपल वो जो बताया सर एग्जाम्स थे, तो UGEE WPGEE वगैरह वगैरह सब इधर उधर जाके देना पड़ रहा था, कभी बंगाल में तो कभी कहीं तो कभी कहीं, तो ऊपर से फिर बोर्ड्स थे, तो ये सब कंप्लीट हुआ। उसके बाद सर मई में आई ज्वाइंट LWS 3 मई में, कि आई शुड कि अब उस समय SSB की डेट आई थी, मतलब रिजल्ट आया रिटर्न का आई गेस 10 मई को, एंड आई गॉट रिटर्न क्वालिफाइड। मैं बोला कि आई शुड गेट कोचिंग, तो फिर मैं LWS गया, गॉट ए ग्रेट टीम वहाँ पे, SSS बहुत अच्छे थे, एंड मेजरली जो मेरे को एक मेजर इशू था साइक में, वो साइक का इशू क्लियर हुआ, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। कमांडर विकास यादव वॉज देयर फॉर माई GTO एंड ऑल, तो वो भी उनका तो पढ़ाने का मतलब कराने का द तरीका ही अलग है, स्लाइट तो खुद से स्माइल ऑन डर योर फेस शोज कि सर ने तेरे को भी रगड़ा दिया है, कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग कि करवाया। वो सर का तो रहता ही हूँ कि ऐसे कैसे नहीं करेगा, तू ही करेगा। बहुत अच्छे हैं यार वो, इज वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। या ही इज अ ग्रेट गाय। एंड उसके बाद फिर साइक थे वहां पे एक कमांडर के दुआ, रिटायर्ड वेरी हाँ रिप्यूटेड एंड एक्सपीरियंस्ड गाय, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, वो फुल फ्लो में कुछ नहीं बोलते। तो उनके मतलब रिव्यूज ओरिजिनल आते थे कि हाँ मतलब तू बेवकूफ है तो है। तो क्रेजी। उन्होंने किया मतलब बहुत हेल्प किया उस चीज को लेके कि हाँ तेरे को यहाँ पे दिक्कत है, तू अपने स्ट्रेंथ्स पे खेल वगैरह वगैरह। तो ये चीज थी कि हाँ मतलब आई रियलाइज कि मेरी स्ट्रेंथ टेक्निकल है, मतलब टेक्निकलिटीज आई हैव माय स्ट्रेंथ इन टेक्निकलिटी, मेरी टेक्निकल हैंड्स है। तो जो अगर मेरा माइंडसेट वैसा है, अगर मेरे एक्सपीरियंसेस ही वैसे हैं, तो मेरी स्टोरीज टेक्निकल होनी चाहिए, जिस चीज में मैं अपनी साइड दिखा सकूँ, हाँ मैं ऐसे सोचता हूँ, दिस इज माई मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग और दिस इज माई एल्गोरिदम ऑफ थिंकिंग। तो उस चीज को मैंने मतलब कंटिन्यू किया, जो स्टोरीज जो पिक्चर्स आती थी उस चीज को अपने आप से रिलेट करके, मतलब नहीं एक बहुत बेसिक थ्योरी है जो कि सब बताते हैं, एंड इट्स अ जेम थ्योरी कि यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ एज अ कैरेक्टर इन दैट पिक्चर, नॉट द कैरेक्टर इन दैट पिक्चर। सो आई वॉज कि हाँ मैं हूँ उस पिक्चर में और मैं क्या करूंगा या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बस उतने पे ही मेरा ये था कि आई हैव टू गो विद दैट। एंड बाकी GTO विकास यादव सर एंड मुखर्जी सर वहाँ पे थे, बाकी फॉर इंटरव्यू ग्रुप कैप्टन सर वरमानी सर थे। तो उन्होंने मतलब एक चीज मेरे को बोली थी कि तेरे पे ना ये बहुत अच्छा है, मतलब वे ऑफ स्पीकिंग और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तू जिस हाँ चीज को आई अगर एग्री, किस वे में अगर लेके जा रहा है ना, तो उस चीज को बस कंप्लीट करना बस, और बीच में मत छोड़ना। अगर बीच में छोड़ रहा है तो फिर वहां पे वो नेगेटिव जाएगा, क्योंकि तेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो उस चीज को बस कंप्लीट करना। तो ये एक इनपुट मेरे को बहुत अच्छा लगा था उनका कि हाँ आई हैव टू कीप इट क्रिस्प शॉर्ट एंड कमिटिंग। तो LWS का एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था, एंड द गाइज आई गॉट इन LWS बहुत बढ़िया, लाइक ग्रुप आफ्टर इवन द कैन यस सर यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टोरी विच यू आर राइटिंग अर्लियर थैंक्स टू दैट बुक विच मिसलेड यू, एंड स्टोरी विच यू आर राइटिंग नाउ? सो
फॉर एग्जाम्पल सर, एक अगर नॉर्मल पिक्चर लें, जस्ट लाइक अ बहुत बेसिक पिक्चर है, गाय सिटिंग ऑन द चेयर, जस्ट अभी जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहा है वो। अब उस चीज में मैंने जो पहली स्टोरी लिखी थी, क्योंकि ये चीज दोनों एसएसबी में आई है मेरे, अब उस चीज में मैंने पहले लिखी थी कि क्या कहते हैं, ही इज डिप्रेस्ड, सॉरी, उसका छोटा भाई डिप्रेस्ड है, ही गॉट टू द यंग ब्रदर एंड टोल्ड देम कि नॉट टू बी डिप्रेस एंड ऑल। थोड़ी नेगेटिविटी में ज्यादा इंड्यूस कर देता था और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता था कि हाँ, ही फेल्ड इन क्लास 12, नाउ ही इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, मतलब मी, एंड ही टोल्ड हिम, उसके बाद उसने मतलब कंपार्टमेंट दिया, बहुत अच्छी रैंक आ गई उसकी, वगैरह वगैरह सब ऐसे लिखता था फिर मैं। एंड ये लगता था मेरे को, मैंने बहुत अच्छा लिखा, मैंने ऐसे मतलब भी स्टोरी बनाई एकदम कि ट्विस्ट है इसमें, थ्रिलर थ्रिलर है। एंड अभी अगर सर मैं अभी की स्टोरीज के बारे में बात करूं तो आई वुड राइट कि ऐसे कि ही इज अ बीटेक स्टूडेंट, लाइक थर्ड और फोर्थ ईयर बीटेक स्टूडेंट हु इज डूइंग इंजीनियरिंग इन आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. ही इज थिंकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रेलवे एक्सीडेंट्स करेंटली गोइंग ऑन, अबाउट हाउ द रेलवे ट्रैक्स एंड कवच सिस्टम इज वर्किंग. सो ही इज वर्किंग अपॉन इट, डूइंग अ रिसर्च पेपर ओवर इट. तो ऐसे लिखता मैं. तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया कि हाँ, मतलब जो मेरी ये है स्ट्रेंथ्स है, मैं उस पर खेलने लगा कि आई हैव माई मतलब टेक्निकल हैंड स्टोरी इस में वजह खुद से को देखना देखना शुरू किया तूने बेसिकली। ओके शुरू किया. आई एम दैट गाय. वो ग्रेट। पिक्चर डिस्क्राइबिंग वाला जो सिनेरियो था कि हाँ, पहले मैं पिक्चर डिस्क्राइब करता था, वो डिस्क्राइब ना करके मैं, मतलब अब ऐसा हो गया कि हाँ, आई एम दैट गाय. ग्रेट। इट्स वंडरफुल हाउ बुक कैन रून समवन्स अटेम्प्ट्स, है ना? एंड इवन दैट बुक इज लाइक सो वाइडली सर्कुलेटेड, एंड आई एम बहुत अशेम्ड ज्यादा कि सही. इवन आई हैव सर्कुलेटेड, नॉट दैट बुक, लेकिन आई हैव अ फोल्डर ऑफ एसएसबी स्टडी मटेरियल व्हिच आई गिव टू आवर हाँ स्टूडेंट्स जो हमारे कम्युनिकेशन कोहोर्ट में आते हैं, तो सर, उनको भी मैं वो सेम ड्राइव देता हूँ। उनमें से वन ऑफ द बुक्स इज दिस, लेकिन और भी बहुत सारी बुक्स होती है उनमें। तो वन थिंग विच आई विल डू टूडे इज रिमूव दोस बुक्स। सो ग्रेट। थोड़ा इस पे आते हैं, रिगार्डिंग देन यू टेकिंग कोचिंग एंड देन नाउ यू आर गोइंग टू दी फर्स्ट एसएसबी एनडीए वाली। यस सर. सो थोड़े से तो तेरे को भी थोड़ा नर्वसनेस होगा बिकॉज नाउ यू हैव इन्वेस्टेड मनी एज वेल, एंड एग्जैक्टली सर. वो है ना? ये जो एसएसबी थी दिस टाइम, एनडीए 153 वाज, एनडीए 152 उतना प्रेशर नहीं था मेरे पे. लाइक द मेरे चार अटेम्प्ट्स हुए हैं, द मोस्ट प्रेशराइज्ड अटेम्प्ट आई हैव गिवन दैट वाज एनडीए 153, माय सेकंड अटेम्प्ट. नाइस, क्योंकि बिकॉज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में यू हैव जस्ट गॉन विद अ क्लियर यू नो माइंड, एंड अब यू हैव गॉट कॉन्फिडेंस आउट इन दैट। नाउ इफ यू इन्वेस्ट मनी यू कांट गेट स्क्रीन्ड आउट यार, स्क्रीन मतलब ऑडियंस दैट इज द वर्स्ट थिंग। वो फिर इज्जत पे आ जाती है कि भाई क्या कह तूने. सर पापा पैसा लेकर मैं इम्प्रूव करूंगा, नहीं। आप गुवाहाटी गए हो. हाँ पापा, साहब पे कॉल आ रहा है, बेटा स्क्रीन पे पापा टिकट करा दो वापस आना. बाबा टिकट करा दो। वर्स्ट वो बहुत खराब होता है. यार, वर्स्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ वहां पे पहुंचा तो? सो वहां पे पहुंचा तो गुवाहाटी इज, फॉर एनडीए एंट्री स्पेसिफिकली, गुवाहाटी इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ रिपीटर्स. लाइक गुवाहाटी इज द ग्रेवयार्ड ऑफ रिपीटर्स, जलंधर इज ग्रेवयार्ड ऑफ रिपीटर्स. तो दोनों समय मेरे को दोनों चीज में ग्रेवयार्ड ऑफ रिपीटर्स मिला. सो सारे रिपीटर्स, एक फ्रेशर मात्र वहां पहुंचा हुआ, वहां पहुंचे हुए थे हम लोग गुवाहाटी में. सो गांधीनगर वाले ही थे मैक्सिमम जो एनडीए 152 में गांधीनगर में थे, मैक्सिमम वही मिले. तो तीन चार मेरे को मेरे ही बैच वाले मिल गए थे. सो वी वर हैविंग अ गुड टाइम डॉक्यूमेंटेशन के समय, मजे कर रहे हैं. हाँ भाई तूने क्या किया, तूने क्या किया, वगैरह वगैरह. उसके बाद सर जब भी स्क्रीनिंग हुई तो रिपोर्टिंग टोटल आई गेस 55 की थी, 55 की रिपोर्टिंग थी. वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 75 की, बोर्ड बहुत छोटा है. तो 55 की रिपोर्टिंग थी, स्क्रीनिंग हुई, पिक्चर आई थी, न्यूट्रल पिक्चर थी कि एक ओल्ड लेडी है, शी इज कंसल्टिंग सम टू यंग पीपल, लाइक अ मेल अ फीमेल. तो इस चीज पे एक पिक्चर थी, तो उस पे मैंने बनाई थी ऐसे अबाउट जनरल इलेक्शंस. उस पे उसने मतलब वोटर्स एंड जो वोटर पैन आई, मतलब आईडी कार्ड्स जो होते हैं, उस पे एक ड्राइव कंडक्ट कराई थी उन दोनों ने मिलके. वो कॉलेज के थे, बीए स्टूडेंट्स. तो उन्होंने फिर उस चीज को लेके रिपोर्ट सबमिट की. तो वो चीज थी. तो स्टोरी अच्छी थी, मतलब मेरे हिसाब से ऐसी थी कि हाँ, मतलब इट्स गुड.
बाकी नरेशन किया तो नरेशन बहुत अच्छी गई थी, मतलब स्मूथ नरेशन, ओआर भी अच्छी थी। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं वो एक नहीं ग्लिम्स आ जाता आपके दिमाग में कि हाँ भाई हो सकता हूँ, हो जाऊंगा टाइप। तो वहां पे स्क्रीन स्क्रीन इन हुआ, वो मेरे को बहुत खुशी दिया कि मैं बोला भाई अगर 55 में से ऐसे मतलब 27 स्क्रीन इन किए थे, अगर इसमें स्क्रीन आउट होके जाओ तो फिर वो बेइज्जत वाली बात हो जाएगी कि जब फ्रेशर अटेम्प्ट में 120 की रिपोर्टिंग में स्क्रीन इन हो गया था, यहाँ पे 55 की रिपोर्टिंग में स्क्रीन आउट बहुत खराब लगता। अच्छा, हाँ 55 भी रिपोर्टेड फॉर द SSB, राइट 55 रिपोर्टेड, तो मैन? और हाउ मेनी गॉट स्क्रीन्ड इन? स्क्रीन इन 27 सर, गुड, दैट्स गुड, लाइक 50% फिफ्टी इज फाइन. परसेंट एंड हाँ रिकमेंड कितने हुए? वेरी रिकमेंड सर, वहां से हुए तो 7 गुड, सर बहुत काफी रिकमेंडेड। सही. हाँ तो ये तो हो गया. अच्छा, साइक इस बार टेस्ट ठीक गया था इस बार? बिकॉज अब तो सर तैयारी इस करके आया बार था. बहुत अच्छा गया था एक्चुअली साइक वाज, कि अब ऐसा हुआ ना सर, दिस इज हाउ थिंग्स टर्न आउट, कि जब उस समय साइक मेरे को घंटा समझ में नहीं आता था, एंड नाउ द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ द थ्री टेक्निक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉज माई साइक। कि हाँ भाई साइक में कुछ भी आ जाए कि मैं साइक को मतलब मेरे पे कोई उंगली नहीं डाल सकता साइक में, मेरे हिसाब से भले ही ऐसे सब तो डाल ही देते हैं बट मेरे हिसाब से आई वॉज क्लियर कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे में कि हाँ साइक में एक बार उल्टा सीधा कांड करने के बाद आई वॉज लाइक कि हाँ भाई साइक इज अंडर कंट्रोल। और डोजियर वगैरह भी वहां पे मतलब LWS में प्रैक्टिस की थी तो अच्छे खासे रिव्यूज मिले थे सर से भी, तो साइक नाइस. वॉज गुड। तो उस चीज को लेके आई वॉज कॉन्फिडेंट, वही एयरफोर्स में तो शाम में ही होती है साइक, तो 1-2 घंटे की नींद लेने के बाद फिर शाम में गए तो थोड़ा सा नहीं ऐसे मतलब जगना पड़ता है, हाँ भाई उठ जाओ। तो फिर चालू हुई साइक, और साइक चालू हुई तो TAT पिक्चर्स ऐसे थे, अगेन वही मैं बोलूंगा सर इट्स ऑल लक एंड गॉड रिस्क कह डेस्टिनी. लीजिए डेस्टिनी, कि पिक्चर्स 12 में से कम 8 या 9 देखे हुए आए थे, ओ सो ग्रेट. थीम सोचने में टाइम नहीं लगा मेरे को, मैंने थीम सोची भी या नहीं थी, सो बस देख रहा था एंड लिखते जा रहा था। तो स्टोरी वॉज गुड, 12 12 मतलब 11 स्टोरी अच्छी लिखी, ब्लैंक स्टोरी मेरी तैयारी थी, वही इसरो वाला ही लिख के आता हूँ मैं ऑलरेडी, तो इधर वाला लिख के आता हूँ। फिर WET चालू हुई, WET में मतलब WET 60 में से 60 कर दिए थे मैंने। अब SRT चालू हुई, अब SRT में क्या हुआ कि पता नहीं मैं दिमाग हिला, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट लास्ट तक जाते जाते ऐसा हो गया था कि हाँ 49 या 50 कर दिए थे मैंने। अब दैट्स फेयर, SD फेयर मैंने रटा गुड. था, SD मैं रट के गया था कि हाँ मैंने लिखा था कि लिख लूंगा रट लूंगा उस हिसाब से एंड आई गो राइट, जो दिमाग में आएगा उससे मैं लिख दूंगा। अब वहां हाँ, पे ब्लैंक पहुंचा स्टोरी क्या था SRT तूने बताया? सर, वही इसरो वाला अबाउट द रिकमेंडेशन लेटर, इसरो इसरो वाला वाला? हाँ, ग्रेट स्टोरी. हाँ वही और वही चिपका के। इधर SD वाला क्या हुआ तेरा? तो SD में हुआ क्या कि सर SRT जस्ट कंप्लीट हुई थी, तो पता नहीं मेरे SRT के बाद मैंने एज आई सेड वो दिमाग पता नहीं हिल गया था मेरे, एक बार को वो जो कंसंट्रेशन होता है कंसंट्रेशन हिल गया था। अब SD लिखना चालू, वो जो क्वेश्चन लिखवा रहे थे वो मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते दिमाग से ये हिल गया कि मेरे को लिखना क्या। अब पेरेंट्स वाले सेक्शन में मैं 5 मिनट तक लटका हुआ कि आगे क्या लिखूं मैं, जबकि मैं रट के गया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा पेसअप किया कि हाँ जल्दी जल्दी करूंगा, तो फिर वही थोड़ी क्वालिटीज लास्ट में 2 लाइन अपने ये बुढ़ाई की, हाँ भाई बैड हैंड राइटिंग या फिर ओवर लॉन्गेटिव मेथडोलॉजीज ये सब लिख दिया, पर हर जगह उसी को था वर्ड चेंज कर करके ही लिखना होता है, तो वही कर दिया मैंने टीचर्स में भी फ्रेंड्स में भी। फिर व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ वाले में आई वॉज लाइक कि हाँ अब इसमें थोड़ा सा अलग लिखना, तो उसमें आई इंक्लूडेड दोज थिंग्स कि हाँ आई हैव अ टेक्निकल हैंड या फिर डिजिग्नेटेड पेस ऑफ लर्निंग या फिर एक एल्गोरिदम ऑफ थिंकिंग वगैरह वगैरह ये सब लिखा। तो आई वॉज कि हाँ ठीक है SD इज गुड, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगी मेरी PI की और जो साइक मैंने लिखी है, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई SD। मेरे हिसाब से सर SSB में एक चीज और है कि एज वी नो कि हाँ 3 टेक्निक्स अलग अलग है, जैसे साइक अलग है, GTO अलग है, इंटरव्यू अलग है, बट कहीं ना कहीं तीनों सेम है। वो एक जब लास्ट में कॉन्फ्रेंस में निकलती है तो शायद वो तीनों मिलाते हैं कि हाँ भाई तीनों की फाइंडिंग सेम है कि नहीं, तो आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट कि हाँ मैं तीनों जगह चीजें सेम रखूं, लाइक इफ आई एम कॉन्स्टेंट सेम रहे, मतलब हाँ किसी को आई हैव फेक टू ना मेंटेन लगे. कॉन्फिडेंस, ग्रेट. या एग्जैक्टली सर कि वो फेक ना लगे, तो उस चीज को मैंने ये किया। बाकी फिर कॉन्फ्रेंस वाले दिन ही हम लोग का GTO 2 भी था, और गुवाहाटी में उस समय बारिश हो रही थी बहुत भयंकर, तो GTO हमने रेनकोट में भीगते भीगते दिया। उसमें माय भी गॉड.
हमारे जीटीओ जीटीओ वाज वेरी मतलब ऐसे नहीं था, चिल। राउडी टाइप, अच्छा रॉडी। राउडी टाइप, तो वो अलग ही सीटी में ना ऐसे मतलब उंगली कर रहे, हाँ तेरे को ये नहीं आ रहा क्या ये करने का तू। खतरनाक। हाँ वहां पे वो पसीने टप 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 चूड़ा है वो रेनकोट के चक्कर में, हाथ शिट से बल्ली मैन, फिसल ली है। ग्रेट यार। अच्छा इंटरव्यू पार्ट कंपेयर कर थोड़ा दोनों का। टीएस के इंटरव्यू में क्या हुआ, एनडीए के इंटरव्यू में क्या हुआ? फर्स्ट स्टार्ट विद एनडीए वाला। टॉकिंग अबाउट एनडीए इंटरव्यू सर, बहुत अच्छा इंटरव्यू था। लाइक द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज ग्रेट, ही वाज अ पायलट, आई गेस विंग कमांडर थे वो, तो वेरी गुड गाय, वेरी हम्बल, बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने। मतलब चीजें खींचने की कोशिश नहीं की, मतलब बुलवा रहे थे वो। तो चालू हुआ ही यू नो पेस डाउन की, हाँ भाई शांत हो जा शांत हो जा, वी आर गुड टू गो। तो कुछ चालू किया ऐसे मतलब कि हाँ सी आई क्यूज वगैरह। मेजर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही इंटरव्यू का यही रहता है मेरे से कि हाँ भाई तेरा नाम प्रदीप, प्रदीप का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कांस्टेंट है हर जगह, इवन मेडिकल में भी जाऊंगा तो वो डॉक्टर यही पूछता है कि प्रदीप ये कैसा नाम है, तो वो तो एक्सपेक्टेड रहता है। तो उसके बाद फिर चालू हुआ नाउ इंटरव्यू जो था इसका एनडीए का, द पॉइंट आई सेड कि यस सर माई फादर वॉज इन एयरफोर्स, ही वॉज इन नंबर 22 स्क्वाडन। अब यहाँ पे पॉइंट क्या था कि जो गुवाहाटी में जो एयरक्राफ्ट बाहर डिस्प्ले में लगा हुआ है दैट इज ऑल्सो MiG-27 एंड MiG-22 स्क्वाडन का ही, वो पापा के स्क्वाडन का ही। ओके ग्रेट। सो ही ऑल्सो फ्लाइट दैट मतलब MiG-27 एंड ही वॉज पोस्टेड पापा के साथ इन जोधपुर, ओह जो कि वाओ, मेरे को व्हाट बाद अ पता चला था। कोइंसिडेंस। या उन्होंने मतलब ऐसे जब उन्होंने बताया मैंने कि हाँ सर MiG-27 टेक फ्लाइट में थे, तो फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही चेंज्ड, उनको लगा कि हाँ आई शुड एक ग्रिल करने का पॉइंट मिल गया कि इस पे थोड़ा करते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा चल एक बात बता मेरे को कि टेल मी एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन MiG-27 एंड तेजस। तो फिर मैंने बताया सर स्वीपिंग डिजाइन है, देन ही इज इट इज डेल्टा विंग डिजाइन, देन कैरी ये ग्राउंड अटैक है, इट इज मल्टी रोल वगैरह वगैरह ये सब बोला। फिर उन्होंने बोला अच्छा तो इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में क्या अंतर है, तो फिर बताया सर इसमें RD-23 इंजन है, उसमें ये है जनरल इलेक्ट्रिक का, वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वगैरह वगैरह। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन मी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। तो फिर मैंने बताया सर कि मल्टीपल सेंसर्स एंड ऑल एंड ऑल, तो एक लंबा मोनोलॉग बोला, पता नहीं मैं रट के गया था कि नहीं, कि उस समय दिमाग से नहीं रहा क्योंकि पढ़ा तो नहीं था मैंने। तो इंटरेस्ट शुरुआत से मतलब ऐसा था कि एज आई सेड सर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है एंड खासकर डिफेंस में बहुत ज्यादा। सो आई यूज टू फॉलो अ चैनल आई से डिफेंस मैट्रिक्स ऑन यूट्यूब, इफ हाँ यू आई नो हैव अबाउट। सीन इट, आई हैव सीन इट। हाँ या ग्रेट। सो ये बहुत अच्छा चैनल है, वो न्यूज वगैरह एंड थिंग्स वो बताते रहते थे, तो आई यूज टू वॉच इट रेगुलरली। एंड मेरा इंटरेस्ट भी उस चीज में था कि हाँ मेरे पापा की MiG-27 टेक फ्लाइट वाली किताब पढ़ी हुई है आउट ऑफ नोवेयर, उस समय समझ में भी नहीं आता था हो क्या रहा लेकिन मजा आता था। तो वहां से मतलब इंटरेस्ट डेवलप हुआ हुआ था। तो ही वाज गोइंग डीपर एंड डीपर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे गए, उसके बाद फिर ही वेंट टू रडार कि टेल मी थ्री टाइप्स ऑफ रडार्स दैट वी आर करेंटली यूजिंग, टू टाइप्स ऑफ रडार दैट वी आर करेंटली यूजिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन PSA एंड AESA, देन कौन से सेंसर्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें, अच्छा मॉड्यूल्स के डिफरेंस क्या होते हैं। फिर यहाँ पे गए, उसके बाद मतलब ऐसे कंटिन्यूएशन गया उनका टेक्निकल पूरा, लगभग 35-36 मिनट गया होगा। लास्ट डैम में ही एक क्वेश्चन था जब आई जब वहां पे एंड हुआ टेक्निकल क्वेश्चन, एक कॉकपिट में सर एक छोटा सा स्विच होता है दैट इज APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट, व्हेन द एयरक्राफ्ट इंजन गेट ब्लोड आउट मिड एयर तो उसको ऑन किया जाए जस्ट लाइक पुश स्टार्ट इन स्कूटी, समझ लीजिए उसे। तो वो APU के बारे में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन APU एंड GPU एंड व्हाट बैटरी वी यूज फॉर द APU। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वाज लाइक अच्छा ठीक है चल डन। उसके बाद फिर गेम बैक टू माय पर्सनल की हाँ व्हाट आर योर हॉबीज, देन व्हाट यू हैव डन इन योर स्कूल लाइफ, कितने परसेंट आए, कौन से टीचर पसंद है नहीं है। सो दिस वाज द कितने इंटरव्यू। मिनट्स का फिर लास्ट चला इंडिया वाला इंटरव्यू? 1 घंटे 10 मिनट था सर, बिकॉज 35-36 मिनट तो ये सिर्फ टेक्निकली गए हो, तो बाकी फिर ही आस्क मी अबाउट द एग्जीबिशंस एंड ऑल, तो वो सब पे बात हुआ। ओके। फिर थोड़ी पर्सनल थिंग्स एंड व्हाट एंड अबाउट टीएस? TS का सर, TS बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो द इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज रिटायर्ड कर्नल जिनको रीइंस्टॉल किया गया था,
उस समय तो इन 32 SSB जालंधर ही वाज यू नो आई वुड से फेमस और इन फेमस अवार्ड जो कह लीजिए. सो ही वाज फेमस कि हाँ भाई ये मतलब कर रहे हैं लोगों की. अब 10 बंदे थे उनके पास, तो 10 बंदे में चालू हुआ. पहला बंदा PR था, मतलब वहां पे रिपोर्टिंग अच्छी, 70 PRs आए थे, 7 बंदे 7 PR स्क्रीनिंग हुए थे, तो उसमें से एक PR था. अब मैक्सिमम PR वहाँ वैकेशन बनाने आए, मतलब वैकेशन बनाने गए थे, शायद मैं भी वही गया था सर. मेरे को तो ऐसा मतलब मेरे साथ प्रैंक हुआ था वहाँ पे TES में, मतलब इन स्क्रीनिंग आई वॉज जस्ट नंबर 1 इन TES. एंड इतने ज्यादा मतलब प्रैंक वगैरह कर रहे थे वहाँ के GTO, जो हम लोग मतलब जो सर थे वहाँ पे GTO, ही वॉज माई GTO एज वेल ड्यूरिंग द Phase 2. नाउ ही वॉज डूइंग प्रैंक, उन्होंने चेस नंबर नहीं लिया, चेस नंबर चालू हुआ 6 से. मैं बोला चलो भाई स्क्रीन आउट हो गए, अब यहाँ से घर कैसे जाना, मैं वो सोच रहा हूँ. लेकिन ऐसा हो रहा था कि हाँ रैंडम बुला रहे, फिर 83 पे गए, फिर 63 पे आए, तो कहीं ना कहीं बीच में एक उम्मीद जाग जाती थी. फिर 2 बार उन्होंने ऐसे नहीं वो करते कि फाइल बंद किया कि हाँ ओके सो दिस इज इट फॉर टुडे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम वगैरह वगैरह. बोला यू वॉन्ट मोर चेस नंबर, ओके तो फिर 4 चेस नंबर और बोला, फिर वही किया, फिर बोला यू वॉन्ट मोर चेस नंबर, फिर 2 चेस नंबर का नाम लिया. मैं उसके उसमें भी नहीं आया. उन्होंने फिर चेस नंबर ऐसे मतलब फाइल बंद की, ऐसे नीचे रखा है फाइल, एंड तब बोला है कि एंड द लास्ट चेस नंबर 1. मतलब मैं स्क्रीनिंग में चेस नंबर 1 हूँ, एंड Phase 2 में मतलब कॉन्फ्रेंस में आई वाज लास्ट चेस नंबर 43. तो एक पूरा सर्कल दिखा दिया TS ने मेरे को. ग्रेट यार, अमेजिंग. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यूइंग सर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर. तो ही वाज काइंड ऑफ जल्लाद थोड़ा सा, वो रिटायर्ड थे, उनको फर्क वर्क नहीं पड़ रहा था किसी से. उन्होंने सबके इंटरव्यू पूरे हिंदी में ली, इंग्लिश कोई बोलने की कुछ, जैसे मैंने अगर एक दो बोला था ऐसे बीच में इंग्लिश, तो तेरे को हिंदी नहीं आती है क्या? सर आती तो है, तो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, तो हिंदी में बात करना ठीक है. तो वहां पे मतलब ही वॉज सो अनफिल्टर्ड, उन्होंने मतलब ऐसे मतलब चालू हुआ कि हाँ वही फर्स्ट क्वेश्चन, तेरा नाम क्या है प्रदीप, तूने कभी पूछी नहीं तेरे माँ बाप से कि क्या अजीब नाम रख दिया है तेरा? वहां सर अब मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो गया था भाई एक कि सेकेंड, एक सेकेंड, भाई तू SSB के इंटरव्यू में गया था या रोडीज के इंटरव्यू में गया था, पहले ये वही बता. सर, मेरे मेरे को भी नहीं पता था. मैं एक एक स्पॉइलर देता हूँ सर, मैं जब बाहर निकला हूँ ना, मेरे आंखों में आंसू थे, मैं बंद रो दिया था. मैं बोला भाई क्या बोला प्रदीप ये के अलावा? तो ऐसा हुआ कि सर हाँ तेरा नाम कैसा, माँ बाप से नहीं पूछी क्या तूने कभी कि ऐसा ये है? अब मेरे दिमाग में सर ऐसे चल रहा था कि हाँ मैं एक बार तो हो चुका हूँ, ऐसे ही मैं वेकेशन बनाने आया हूँ, थोड़ा सा मैं भी ऐसे नहीं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ. मैं बोला सर अब यूनिक नाम है सर, तभी तो आप रिकन्फर्म कर रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसे नॉर्मल नाम रहता तो नहीं करते. अच्छा है बिटी. उसके बाद भाई उन्होंने ऐसे मतलब चढ़ा लिया कि भाई अब तो इसकी करूंगा. उसने उन्होंने बोला कि हाँ तू कहाँ से आया है? मैं बोला सर अभी तो बिहार से आया हूँ, मुजफ्फरपुर से. वो तो रिकमेंड हुआ है ना अभी रिसेंटली. मैं हाँ सर, तो CPSS नहीं हुआ तेरा? मैं बोला सर हाँ सर देहरादून हुआ था. तो देहरादून से यहाँ क्यों नहीं आया डायरेक्ट? मैं बोला सर वो घर पे बुलाया था, तो मैं बोला सर वहां पे सामान वगैरह भी नहीं लेके गया था मैं उतना. बोला तेरे को पता नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ, तू बेवकूफ है. मैं बोला सर मतलब मम्मी पापा ने बोला सर इसलिए, तुम भाई मम्मी पापा पार्सल भी करा सकते, तू ये बोलना तेरे को घर जाना था. मैं सर नहीं ऐसा नहीं था, मैं तो आने को तैयार ही था. मैं ना ना डोंट गिव मी शिट ऐसे बोलना, डोंट गिव मी शिट आई नो. डैम यार, सर तो लग रहा है कि हार्ड टास्क हाँ मास्टर है वो कोई. पूरा उसके बाद मतलब मैंने ऐसा कभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया था. उन्होंने फिर फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस ऐसे बोलना चालू किया. उन्होंने बोला कि तेरी रैंक वगैरह है, ये सब है, पढ़ता लिखता तो तू होगा ही शायद. सर हाँ सर थोड़ा मोड़ा, तो तूने कोचिंग कहाँ से की है? सर कोटा से SSB की. मैं सर LWS से. वो उसने बोला कि उन्होंने बोला कि कोचिंग वगैरह भाई कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, वो दिमाग को ये कर देते हैं. मैं बोला कि सर नहीं सर इम्प्रूवमेंट्स दिखी मेरे को, मैंने इसलिए ली. वहाँ क्या इम्प्रूवमेंट्स दिखी? तो फिर वहाँ पे ऐसे जैसे साइक पे डिस्कशन चल रही है WAT पे, WAT पे, और 10 मिनट हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं सर WAT में सर थर्ड पर्सन नहीं यूज कर सकते. तो थर्ड पर्सन क्यों नहीं यूज कर सकते ये बता मेरे को. तो ये सब चल रहा था. अब उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा तेरे को पता तो होगा ही, मतलब मेरा लास्ट इंटरव्यू था उनके साथ, तो तेरे को तो पता तो होगा ही अभी तक मैंने क्या क्या फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि टेक्निकल एंट्री थी तो ये पूरा टेक्निकल में ही घुस रहा. हाँ सर थोड़े मोड़े तो पता है, तो क्या क्या पूछा है मैंने? सर बर्नौलिस थ्योरम, चार्ल्स लॉ, ये सब सब पूछा है. वो अच्छा.
तो तेरे को तो ये सब आता होगा सर? हाँ सर, इतना ये सब पता है सर। अच्छा चल ठीक है, पांच प्रिंसिपल का नाम तो खुद लेगा और खुद एक्सप्लेन करेगा। ठीक है सर, तो मैंने मैकेनिक्स वगैरह का थोड़ा बताया हमको, इलेवेंथ इलेवेंथ पार्ट का। अच्छा तो तेरी मैकेनिक्स ठीक है क्या? बस हाँ सर, थोड़ी मोड़ी ठीक है। उन्होंने बोला कि तू एयरफोर्स का है, इतना तेरे को एविएशन वगैरह मैकेनिकल ये सब तो आना चाहिए सर, थोड़ा मोड़ा आता। अच्छा चल बता मेरे को कि ये साउंड बैरियर कैसे ब्रेक होता है, ये कैसे होता है। एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी ऑफ द आंसर, लाइक ही यूज्ड टू ऐड समथिंग कि हाँ तूने ये गलत बोला है उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। तो उन्हें प्रेशराइज कर रहे थे, और तू तू बेवकूफ है, नहीं तेरे नहीं समझ में आ रहा, तेरे तेरे दिमाग में भूसा पड़ा है, तो ऐसे करके। फिर उन्होंने डैम बोला कि उन्होंने बोला तू कुर्सी आगे कर। तो उन्होंने मेरे से कुर्सी आगे करवाई है अपने टेबल के पास। उन्होंने पेपर निकाल के दिया अपने फाइल में से, एंड पेन दिया है मेरे को। ही गेव थ्री क्वेश्चन ऑफ आई इरोडोव। आई इरोडोव इज अ राइटर सर, आई रशियन नो, वो राइटर। उनकी बड़ी लेजेंडरी बुक है फिजिक्स की। हाँ फिजिक्स की। सो हाँ वो हवा में उड़ते हैं उसके क्वेश्चन, तो हाँ थोड़े थोड़े किए थे उसके। उन्होंने बोला चल मैकेनिक्स तो आती है तेरे को, मैकेनिक्स से ही दूंगा। उन्होंने डैम, ठीक है, इरोडो के उन्होंने फिजिक्स क्वेश्चंस कौन दिए उन्होंने तो से तीन क्वेश्चंस डेफिनेटली निकाल के दिए सर? उनका भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो होगा ही पक्का। पता नहीं, वो ऐसे बोलते थे, देख मेरे को तो नहीं पता है, मेरे को नहीं आती है इंजीनियरिंग, तू ही बताएगा। मैं बोला सर, फिर मैं झूठ बोलता था, फिर वो बोलते थे कि नहीं, तूने गलत बोला है। सर, एक जगह तो टिको यार। तो ही गेव मी थ्री क्वेश्चन ऑन स्पॉट, बोला तू बना के दिखाएगा। मैं बोला ठीक है सर, बना देता हूँ। तो हल्की फुल्की बनाए मैंने तीनों, वही फिर बोलूंगा सर डेस्टिनी, वो तीनों क्वेश्चन देखे हुए थे। तो बैम तीनों क्वेश्चन बनाए, फिर आंसर निकाला। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है सही है। सर मैंने बनाया, मेरे को तो लग रहा है सही है, तो बोला चेक करके बता। मैं सर मैंने बनाया तो मेरे को तो सही लगेंगे ना। तो बोले मैं कैसे चेक करूं, मेरे को तो नहीं आता है। मैं सर फोन में देख लीजिए, मैं उतना खाली बैठा हूँ। तो सर मान लीजिए सर सही है। बोला चल ठीक है, मान लिया सही है, जा पीछे था। तो फिर पीछे लेके गए, फिर पीछे लेके आए कुर्सी, आए वो सेटिंग दिया। फिर उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ग्रिल वगैरह किया इस चीज पे कि जैसे तेरी ये सही नहीं है, तू क्या कहते हैं, तेरे को डर किस चीज से लगता है? मैं उसे सांप से डर लगता है। तो सांप से तो सबको डर लगता है, कुछ ऐसे लेजिटिमेट बताना जो फियर में काउंट हो। मैं सर मम्मी से डर लगता है। तो ऐसे बोले शिट मैन, वो बोल रहे कि भाई तू हरकत ही ऐसी करती, मैं तेरे को उठ के चाटा मार दू तो मम्मी तो मारेगी। बोले ठीक है सर। तो अब उन्होंने ना ऐसे मतलब फिर एट लास्ट ही सेड कि अच्छा चल ठीक है, तूने ऐसे अभी दो इंटरव्यूज दे चुके हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस आउट और रिकमेंडेशन वाले दोनों इंटरव्यूज, और इस इंटरव्यू में तेरे को क्या अंतर लगा, टेल मी द डिफरेंसेस। मैंने बताया सर वो दोनों इंटरव्यू थोड़े टेक्निकल थे, आप थोड़े फिजिक्स ओरिएंटेड ज्यादा थे, एंड आपसे थोड़ी सी खुल के बात ज्यादा हुई है सर। तो ही वॉज लाइक कि अच्छा देख, डैम पूछ तो मैं भी सकता था आर्मी से। मैं सर आप आर्मी से पूछते, मेरे को कुछ नहीं पता आर्मी का। मैं सर ऐसे ही बोलता सर, आई डोंट नो, आई लेट यू नो इन द कॉन्फ्रेंस। तो अच्छा, तो अच्छा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? मैं बोला सर नहीं सर। बोला अच्छा ठीक है, अब तो दो क्वेश्चन पूछेगा मेरे से। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, पहले तो वही पूछ दिया मैंने कि सर आप जो बोल रहे थे कि वो साउंड बैरियर वाले में गलत है सर, वो क्या, वो सही क्या होगा? तो बोले वो तो तू मेरे को बताएगा ना, मेरे को तो नहीं आता है। मैं सर फिर भी आपके हिसाब से जो सही लग रहा था, जो आपको लगा कि मैं गलत बोला, तो फिर उन्होंने बताया। फिर बोला दूसरा, मैं सर रिटायरमेंट प्लान क्या था सर आपका, आप वापस यहाँ पे सर, यू आर सर्विंग। तो उन्होंने बोला कि यही मेरा रिटायरमेंट प्लान है, आई एम एंजॉइंग दीज काइंड ऑफ शिट्स विथ यू। enjoying थैंक इंटरव्यूज। यू सर। वो पूरा बोला अनफिल्टर जा रहा है। ग्रेट यार, तो ग्रेट, उन्होंने मजा बोला आया ओके ठीक है। सुनकर। इतनी कन्वर्सेशन सुन चुका हूँ मैं, लेकिन ऐसा इंटरव्यू तो नहीं सुना मैं, आई यस सर, थिंक। आई हैव आल्सो गिवन थ्री टू इंटरव्यूज वहां AWS में भी, बट सर ऐसा नहीं हुआ था, वो अनएक्सपेक्टेड जा रहा था। ग्रेट, फिर उसके बाद ही टोल्ड यू कि भाई कैरी ऑन, मतलब भेज दियो फिर। हाँ उन्होंने बोला ओके ठीक है, तू जा। ठीक है, अब ग्रेट, वहां से निकलने के बाद तो मेरा मन तो रो रहा था, मतलब भाई हो गया ठीक है, ये मेरे को कोई क्लियर कर दे, ये तो नहीं क्लियर करने वाला है जिस हिसाब से करके आया। तो नहीं उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस चालू हुई। अब नहीं एक सेकेंड कॉन्फ्रेंस एक में सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, रुक जा अभी। पहले
पहले ये बता, जीटीओ में तेरे लेक्चर टॉपिक्स और जीडी टॉपिक्स कहते हैं? सर एनडीए के बताऊं पहले? तो हाँ, सबके बता दे, तीनों के बता दे। एनडीए के बता देता हूँ सर, जिसमें मैं रिकमेंड हुआ उसमें थे सर स्पोर्ट्स एज ए कैरियर, देन यूनेस्को, मैं यूनेस्को पीस कीपिंग, इसके बाद सर एक ये था माय बेस्ट फ्रेंड, हाँ, मेरा भी था और माय एक बेस्ट फ्रेंड। एक माय आई बेस्ट इवन फ्रेंड, स्पोक ऑन इट। एक माय बेस्ट फ्रेंड, और एक और था सर पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया, मैंने स्पोर्ट्स ऐसे कैरियर दूसरे नंबर पे देखा, मैं बोला बस हो गया, यही यही बोलना। बाकी सर ग्रेट। जीडी टॉपिक्स और एआई, मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एआई इन एजुकेशन सेक्टर, देन हेल्थ सेक्टर, एंड फिर ये उस चीज पे था, मतलब एआई रिलेटेड फर्स्ट, एंड सेकेंड वन वॉज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हेरिटेजेस दैट इंडिया इज कैरिंग, एंड वॉट आर दिस डिसएडवांटेजेस दैट इंडिया इज कैरिंग थ्रू इट, तो ये था मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ द हेरिटेज एंड पीपल ऑफ पॉपुलेशन वगैरह, तो ये था। बाकी सर जालंधर में जीडी वाज जीडी टॉपिक वही फर्स्ट की पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट कर रहा है, हाउ इज पॉपुलेशन अफेक्टिंग द करेंट ग्रोथ ऑफ इंडिया, सो व्हाट आर द मेन रीजंस, तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह, तो ये सब था। और दूसरा था सर कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लाइक हाउ कैन वी बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो ये था, ये दोनों टॉपिक्स, मतलब दोनों अच्छे टॉपिक्स थे, लाइक दोनों एसएसबी में टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं। बाकी सर जीडी में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आए थे, एक तो पहला वही था कि इंडिया एंड इट्स रिलेशंस विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, और बाकी तीन तीनों ऐसे, मतलब बॉलीवुड, देन म्यूजिक इंडस्ट्री, और उसके बाद था कि क्या कहते हैं माई फीमेल बेस्ट फ्रेंड की, कुछ तो ऐसा ही था, मतलब फीमेल वगैरह कुछ था, मैंने देखा ही नहीं चौथा, तो इस हिसाब से था, तो आई स्पोक ऑन इंडिया एंड इट्स रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज, तो उस पे ग्रेट। था। अच्छा, तू बाकी सर इतनी जी पढ़ाई वढ़ाई करता है तो देखो भाई, यू नो व्हाट डू यू डू फॉर फन? लाइक व्हाट डस प्रदीप डू फॉर फन? सर, पापा जब तक एयरफोर्स में थे तब तक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, लाइक एज आई टोल्ड कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला, जो हाथ में आ जाए खेल लो, चाहे वो लॉन टेनिस हो, स्क्वाश हो, स्क्वैश हो, उसके बाद फिर टेबल टेनिस वगैरह वगैरह, फुटबॉल, बैडमिंटन आई यूज टू प्ले बहुत अच्छे से, तो दरभंगा जब लास्ट नहीं, पोस्टिंग थी ये पापा की भी तो वहां पे, स्पोर्ट्स हाँ वगैरह ठीक है, लेकिन डू यू वॉच मूवीज या एनीथिंग, कुछ सर कंटेंट कंज्यूम बिल्कुल, करते हैं? एक सीरीज है, बिकॉज वी आर नॉट ऑन दिस टॉपिक, बैंड ऑफ सर ब्रदर्स करके है, ठीक हाँ सर, है? आई हर्ड इट, अभी विश लिस्ट में है मेरे वो भी। कीप इट एट द टॉप ऑफ योर विश लिस्ट और उसको देख, जियो सिनेमा पर है। एंड मुझे ओके उसमें मतलब इट्स द बेस्ट वॉर के बेस्ट सीरीज और यू नो कंटेंट ऑन द इंटरनेट रिगार्डिंग हाँ डिफेंस फील्ड में जो है। इट्स डिफेंस, अबाउट इजी कंपनी ऑफ द एयरबोर्न रेजिमेंट, अमेरिकन या आर्मी पे, कि हाउ दे फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बहुत सही है। और एक और है द पैसिफिक करके, सेम डायरेक्टर, सो वो भी बहुत अच्छी है। इट्स अबाउट हाउ मरीन्स फॉट इन जो जैपनीज हाँ थिएटर है उसमें। और एक अभी मैंने देखी मास्टर्स ऑफ द एयर, सो दैट्स अबाउट, ये तीनों सीक्वल हैं इनके, 1, 2, 3। और मास्टर्स अच्छा ऑफ द एयर इज अबाउट हाउ दो जो बॉम्बिंग प्लेन्स होते थे, हाउ दे फॉट इन द हाँ सेकेंड हाँ वर्ल्ड द वॉर। कामी कामिकाजे अटैक, नहीं, अमेरिकन बॉम्बर्डियर्स। अच्छा अमेरिकन वन, ओके हाँ, ओके सो सर, हाउ दे फॉट। सो बहुत बहुत सही मतलब सीरीज थी तीनों। आई मस्ट रिकमेंड दैट टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड इवन सर्विंग, अगर कोई बाय चांस देख रहा है। लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू पे आते हैं रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस। तो मैं चाहता हूँ तू दोनों कॉन्फ्रेंस बताए, एनडीए का भी और टीएस का भी, तो एंड सर व्हाई यू फर्स्ट ऑफ ऑल स्माइल, द व्हाई यू स्माइल, ठीक है वो भी। एनडीए सर, स्माइल का रीजन टीएस है, वैसे पहले एनडीए का बताता हूँ सर, एनडीए एज आई हैव सेड, सम मोस्ट प्रेशराइज्ड अटेम्प्ट आई हैव एवर गिव, तो उस समय मतलब बहुत मजे किए, मतलब वो ऐसे गुवाहाटी सर ऐसा है ना कि एक फ्लैट टाइप दे देता है जिसमें 9 बंदे रहते हैं, टीवी वगैरह सब रूम में ही लगा हुआ है,
पूरा रात के रात डांस वाल बनता है, रात में बंदे जगे भाई भाई और ये फिर से सारे ग्रेवयार्ड में तो हमें भी जाना है भाई। तू बोल रहा था ग्रेवयार्ड ऑफ अरे रिपीटर्स, सर ये तो बहुत बहुत सही मतलब जगह ऐसे लग थे रही ना, है। मजे बहुत आए थे, मतलब वो साकी साकी बज रहा है रात में, ओ भाई एक दिन डीएसओ आ गए, भाई कौन बज रहा तो वहां पे ऐसे होता था। तो रिपीटर्स थे सारे, तो उतना सबको मतलब ऐसा नहीं, वो जो घुस के पढ़ने वाला वो कोई नहीं था, वो सारे चिल बंदे थे कि हाँ भाई देखे मैं जिंदगी में सब कुछ। तो वो वाला कोई दिक्कत ही नहीं था, क्रेजी। तो अभी वी ऑल वी आर एंजॉयिंग, तो मजा आया सर उसमें। अब कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्या हुआ सर, उसी दिन हम लोग की GTO 2 भी थी, तो वही बताया मैंने वो कमांड टास्क वगैरह बारिश में दिया सब चीज, फिर हमें 15 मिनट दिया गया क्योंकि DSO ही था हमारा उस GTO भी, तो ही सेड कि आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, अपना नहाओ दो खाओ पियो जो करना करो, आई वॉन्ट यू ऑल 9 टू बी एट द सीट्स ऑफ कॉन्फ्रेंस। ओके, तो फिर भागते हुए गए, दो ही बाथरूम था, एक बाथरूम में दो बंदे घुस के नहा रहे, तो बाल्टी से नहा ले मैं शावर से नहा लेता हूँ। बॉयज तो ये चल रहा था वहां पे, अब उसमें इतने जल्दबाजी में सब चीज गए, कोई टाई खींच रहा है, किसी के जूते नहीं, कोई बिना सॉक्स के जूते पहन रहा है क्योंकि बाहर बिरयानी रखी हुई थी, सब बिरयानी के चक्कर में थे कि पहले बिरयानी खा लेंगे तब कॉन्फ्रेंस से भाई मुझे लगा सबको जल्दी होगी कॉन्फ्रेंस की, बट अब जाए। अब रिपीटर्स ने प्रूव कर दिया भाई, बिरयानी इज रिपीटर्स नहीं कि इम्पोर्टेंट, पहले कॉन्फ्रेंस हो बिरयानी जाएगी। इम्पोर्टेंट। तो क्रेजी। सब तैयार वायर हुए, थोड़ा खाए पिया, किसी की तो भूख मतलब खाने का भूख किसी को नहीं था, लेकिन वो बस हाँ बिरयानी बनी खा लेते, तो हल्की फुल्की खाई सबने, फिर बैठे हम वहां पे। अब ये था ना कि तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड था, 9-9 के 27 में, अब वी वेयर द बेस्ट ग्रुप वो मैं समझ गया था, क्योंकि हम लोग की टोटल कॉन्फ्रेंस पूरे ग्रुप की वॉज ऑलमोस्ट 1 1 आवर 45 मिनट्स सबकी मिला दी जाए, तो उसमें कितने 5 बंदे मतलब ये थे डिस्कशन पॉइंट थे, जिसमें से 3 रेकमेंड हुए, और मैं भी सोच रहा था भाई जो जिस पे डिस्कशन चल रही है वो रेकमेंड हो, मतलब जिसमें नहीं ऐसा ऐसा अवधारणा बन जाती है कि द पर्सन हु इज गेटिंग द कॉन्फ्रेंस टाइम और गेटिंग द डिस्कशन टाइम इज गोइंग टू बी गेट रेकमेंडेड, खासकर ये फोर्स में तो हद से ज्यादा। अब मैं बैठा बाहर, मैं बैठा, मेरी तुरंत बुला लिया, मैं बोला भाई गया ये सोच लिए भगाएंगे मेरे को फिर से। तो आई वेंट देयर, आई सेड जैन, वो ग्रुप कैप्टन थे वहां के प्रेसिडेंट, आई सेड जैन यस प्रदीप हैव अ सीट, ओके तो हाउ आर यू फीलिंग, मैं सर गुड सर, आर यू नॉट फीलिंग एग्जॉस्टेड आफ्टर द GTO, मैं सर एग्जॉस्टमेंट से नहा के खत्म कर दिया। ही वॉज लाइक ओके गुड ओके प्रदीप, आई विल गिव यू सिचुएशन, टेल मी टू थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल की वॉट आर द थिंग्स दैट योर पेरेंट्स लाइक अबाउट यू, बताया वही जो SD में लिखा था, 3 चीज वही बता दिया कि आई हैव अ टेक्निकल हैंड, सो अ वे ऑफ थिंकिंग दैट मेक द एल्गोरिदम सीम्स स्मूदर फॉर द वर्क टू बी डन एंड ऑल, तो ये सब 3 चीजें बताई। फिर उसने बोला अच्छा चल ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड तू चल मेरे को ऐसे हिंदी में कि ऑफ द रिकॉर्ड चल तू मेरे को ये बता दे कि 3 चीजें तेरी दोस्त मतलब जो तेरे दोस्तों को ना पसंद हो, हिंदी में भी बोल सकता है। मैं बोला सर दोस्तों से दोस्ती होता है, पसंद क्या होती है उन्हें, तो ये आई सेड कि सर एक तो ओवर लॉन्गेटेड मेथडोलॉजीज, कभी कभी हम लोग वॉक पे जाते थे तो ज्यादा लंबे रूट आई प्रेफर, ये उन्हें नहीं पसंद, तो फिर बहुत चीजें कि आई गेट काइंड ऑफ पैशनेट, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ किसी चीज को लेके तो आई वॉन्ट इनपुट कि हाँ भाई मैं तेरे को फ्रेंड्स पढ़ा को रहा भी हूँ वीकनेसेस कर बना के दिखा दी बेसिकली। तो वही किया सर। फिर तीसरी तीसरी मैंने बोली थी सर कि मैंने क्या बोला, हाँ सर टोन टोन बोल दिया था कि आई हैव अ हैवी टोन, तो कभी कभी लोगों को लगता है आई एम टॉकिंग एग्रेसिवली बट वैसा होता नहीं है, तो दीज 3 थिंग्स आई थिंक माई फ्रेंड्स मार्क आउट इन मई एंड ऑल। तो ओके ओके सो यू आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, यार सर आई एम सेटिस्फाइड, ओके बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर वेंचर्स गो, ओके फिर मैं जाहिर करके निकला मैं वहां से। अब वहां से बाहर निकला ना सर, तो आई वॉज इन अ डायलेमा कि पूछा इसने है एंड
भाई द फेशियल एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं आई वॉज थिंकिंग कि हाँ ही सेटिस्फाइड। अब सच में वैसा है कि आई एम अगेन इन अ बबल, क्योंकि मेरे को तो पिछले बार के हॉन्ट कर रहे थे, मैं तो रात में रिकमेंड होके सोया था, सुबह मैं कॉन्फिडेंस आउट हुआ। तो वो चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी कहीं ना कहीं, फिर रिजल्ट आया, आई गॉट रिकमेंडेड। वो तो ऐसा ब्लैंक मोमेंट था कि ऑब्वियसली जब आप कॉन्फ्रेंस आउट होके आए, फिर आप कोचिंग गए, अब उसके बाद एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि हाँ थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ तो भाई क्या पता हो ही जाए। तो वो बहुत अजीब मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि ब्लैंक हो गया था मैं वहां पे। अब नाम और रोल ये बोलना होता है आपको, डेट ऑफ बर्थ, नाम तो बोल दिया, डेट ऑफ बर्थ मेरे मुंह से निकला नहीं। वो 10 मई 10 5 क्या बोलूं, मेरे दिमाग में वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था उस समय। तो उससे वह डेट ऑफ बर्थ जेंटलमैन, वो सर 10 मई 2006। तो ओके, तो फिर वहां पे कॉन्फ्रेंस ऐसी थी। अब सर यू वेर आस्किंग अबाउट द रीजन ऑफ स्माइल, टीएस वो टीएस था। अब टीएस में क्या हुआ सर, मेरी कॉन्फ्रेंस वही बताया कि टीएस ने ऐसे पूरा सर्कल कराया मेरे को, चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर लास्ट 43 स्क्रीनिंग, और कॉन्फ्रेंस में अगेन चेस्ट नंबर 43 से बैकवर्ड चालू हुआ कॉन्फ्रेंस। मेरे को लगा जाके सोएंगे आराम से वेटिंग हॉल में, पहली कॉन्फ्रेंस आ गई। तो फिर गया, अब अगेन मैं बैठा हुआ, अब प्रेसिडेंट अंदर घुसे हैं, सारे ऑफिसर्स अंदर घुसे हैं, वो जो जेसीओ जाके मार्च इन करके नहीं बताते कि हाँ दिस इज द बैच नंबर, दिस इज हाउ मेनी रिपोर्टेड, ऐसे ऐसे करके फिर ज्वाइन करके बाहर निकलते हैं, उसके बाद कॉन्फ्रेंस चालू होती है। तो वो कॉन्फ्रेंस चालू है, वो बाहर निकले हैं, आई गेस 10 सेकंड भी नहीं होंगे, घंटी बज गई। मेरे को लगा उन्हीं जेसीओ सर को वापस बुलाया जा रहा है, तो मैं उठा ही नहीं अपने चेयर से। तो उन्होंने बोला कि हु इज चेस्ट नंबर 43, उधर से जेसीओ चिल्लाते हुए, सर मैं, जाओ ना भाई तो बुला रहे तुम्हें। वो ओके सर। तो फिर गया अंदर मैं, जैन सर वो वहां पे भी मतलब कमांडेंट ब्रिगेडियर थे। तो हाँ हाय प्रदीप कैसे हो, तो सर इट्स गुड, तो हाउ विल यू ट्रीट योर सेल्फ, सर आई हैव रेट 9 in all the 3 techniques, ओके सो हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस SSB अटेम्प्ट्स। सर एक तो सर बोर्ड बहुत बड़ा है, जितना आपका GTO ग्राउंड है उतना मेरा गुवाहाटी उसमें पूरा बोर्ड समा गया था। तो आई हैव सीन दीज थिंग्स, तो बोलेगी बढ़िया है, तो यू आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद योर लास्ट अटेम्प्ट, यस सर, ओके सो यू आर प्रीवियसली रिकमेंडेड, यस सर, ओके सो बेस्ट ऑफ लक, यू कैन गो नाउ। बोला है खत्म। सो टोटल वाज 30 सेकंड्स आई गेस सर, 30 सेकंड में इट वाज डन कॉन्फ्रेंस। अब ऐसा हो गया था ना, मैं बोला कि ऑब्वियसली वो सारी पीआर जो 7 पीआर थे हम, उसमें से एक दो सीरियस थे जो बेचारे मेरिट आउट थे पिछले 2 3 अटेम्प्ट में, तो दे वेयर सीरियस, बाकी सब तो ऐसा लग रहा था वेकेशन काटने आए जो इंडिया 153 रिकमेंडेड थे। अब वहां पे पूरी ऐसे बकैती कट रही है वहां वेटिंग हॉल में, सब बेचारे जो रिपीटर्स हैं वो टेंशन में बैठे हुए, हम यहाँ साथ में 5 6 आदमी बैठ के, और भाई रिकमेंडेड रिकमेंडेड, HS नंबर 24 रिकमेंड होके आ रहा है भाई, ऐसे ऐसे करके। तो वी वेर हाइपिंग अप एवरीवन, और अच्छा माहौल बन गया था वहां का, मतलब बहुत बढ़िया मजे आ रहे थे। तो उसमें जब मैंने एंटर किया, मैंने पहली कॉन्फ्रेंस करी, तालियां वालियां बज रही है, और भाई रिकमेंड हो गया, मैं 30 सेकंड कॉन्फ्रेंस आउट होके आ रहा हूँ। तो ये सब हुआ, तो ये सब लगातार चल रहा था, फिर चेस्ट नंबर 1 खत्म हुआ, कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, फिर रिजल्ट की बारी आई। तो आई वॉज, तो मैं मतलब नहीं, मेंटली आदमी प्रिपेयर हो जाता कि हाँ मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। अब मेरी टिकट हो रखी थी उस दिन की, मैं बोला अच्छा टिकट का भी कोई दिक्कत नहीं है, सामान उठाऊंगा बैठूंगा चला जाऊंगा, ओके। अब रिकमेंडेशन वाली लिस्ट आई, तो वही पहले कि हाँ दिस इज नॉट द एंड, इफ यू आर विलिंग टू डू अगेन, तो वही अमिताभ डीआरडीओ, बच्चन, हाँ डॉक्टर डीआरडीओ वाली ब्रीफिंग, कलाम, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर कलाम, फिर डीआरडीओ वाली ब्रीफिंग दी। उसके बाद फिर ही सेड द फर्स्ट चेस्ट नंबर हु गॉट रिकमेंडेड, चेस्ट नंबर 43। अब सर उस समय का फेशियल एक्सप्रेशन मेरा ऐसा था ना, आई वॉज लाइक कि सरप्राइज कि मैं हुआ कैसे हूँ। बस सच बताओ ना सर, ऑल इंडिया रैंक 1 कहाँ से आई है, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है सर कहाँ से आई है। मेरे को तो ये भी नहीं, मैं तो स्किल आउट सोचा, मैं तो स्किल आउट हो गया था, लगभग वो तो प्रैंक किया मेरे साथ। वहां से ऑल इंडिया रैंक 1 सर आई डोंट नो कैसे आई है, एंड आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ आई एम कॉन्फ्रेंस आउट, आज की टिकट है, मैं घर जाऊंगा आराम से। और उसके बाद फिर मेडिकल्स भी थे मेरे एयरफोर्स वाले, मैं बोला कि वहां घर जाऊंगा आराम से, 20 दिन थोड़ा आराम करूंगा, फिर वापस तो जाना ही है, वो ठीक है। That's तो उस wonderful. अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सर मेरे को ऑब्वियसली मेरा ऐसा था कि रिकमेंड होना है नहीं, तो
वो रोल नंबर वगैरह पूछते हैं, मतलब योर नेम एंड रोल नंबर। और रोल नंबर मेरे को याद नहीं, मैंने हाथ में लिख रखा था, वो भी आधा मिट चुका था डॉक्यूमेंटेशन के साथ। अब सर ने पूछा, जो वहाँ के कर्नल थे या असिस्टेंट कमांडेंट थे आई गेस, उन्होंने पूछा कि हाँ योर नेम एंड रोल नंबर। मैं सर नेम प्रदीप सिंह, सर रोल नंबर में ऐसे हाथ में देखे, सर 1007 82। पेरेंट्स क्या नौटंकी है। को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था फर्स्ट टाइम एंड द सेकंड टाइम? सर फर्स्ट टाइम तो मतलब ऐसा था फोन हमें दिया नहीं था डॉक्यूमेंटेशन के तुरंत बाद, हाँ सर मतलब डॉक्यूमेंटेशन के तुरंत बाद, तो उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंटेशन यू कैन कॉल। तो डॉक्यूमेंटेशन, जब डॉक्यूमेंटेशन, और एक तो सर वो रिकमेंडेशन वाली डॉक्यूमेंटेशन आप भी जानते हैं इतनी वर्स्ट लेंथी, मतलब आई हेट इट। वो उस समय लगता है ऐसे क्यों रिकमेंड हो गया। सही में लगता है भाई, बहुत लगता है। और मैं तो उनका ये था ना कि जितनी जगह आप रहे हो पिछले कुछ सालों में तो उतने ज्यादा हाँ, फॉर्म। तो अब मैंने हम तो मैंने पूछा फौजी तो बच्चे उनसे भाई, हम तो हर साल शिफ्ट हुए। ओ भाई मैंने उसे पूछा सर कि ऐसे ऐसे एक्स सर्विस मैन है, मैं तो इतने जब बोला कि अभी रिटायर्ड है ना वो, हाँ सर अभी कहाँ रह रहा है, मैं बोला वहाँ, वो अच्छा ठीक है तो बस वही लिख, नहीं तो ऐसे फिर क्या कहते हैं वो वेरिफिकेशन बहुत लंबी खिंच जाती है। ठीक है वेरी गुड। तो वो हुआ डॉक्यूमेंटेशन के बाद, फिर कॉल आया, कॉल किया पापा को, तो पापा कहीं ना कहीं समझ गए थे क्योंकि इतना कॉन्फ्रेंस उनको तो लग ही गया था 2:30 बजे खत्म हो जाती है, लेकिन कॉल 5:30 बजे किया मैंने, तो ही वॉज लाइक कि हाँ कि हो गया शायद। तो फिर आई स्टेडियम की हाँ गॉट रिकमेंडेड, तो ही वॉज लाइक कि हाँ भाई बहुत बढ़िया हैप्पी। काफी सही। मम्मी मम्मी रोना धोना चालू कर दी थी कॉल पे जब बताया मुझे तो अभी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब AIR 1 देखा उन्होंने? सर हमारे यहाँ छठ पूजा होती है अभी बिहार हाँ में, वहां पर तो कल सजिया रखी था, कल शाम में मेरिटलेस आई, मैं जस्ट तैयार होकर बाहर ही बैठा था, मैं देखा ऐसे मतलब नहीं ग्रुप वगैरह जो हम लोग के ग्रुप बने रहते हैं रिकमेंडेड वाले कि भाई मेरिटलेस चाहिए, मेरे को लगा कि भाई फिर वही वो फेक मेरिटलेस वाली होगी इनको तो कुछ सबको मजे लेने रहते वो ठीक है। मैंने खोली नहीं वो, मैं पहले ज्वाइन इंडियन आर्मी पे गया, मैंने मेरिटलेस खोली, मैं वहां से डाउनलोड किया, मैं बोला हाँ सही में आ गई, मैंने मेरिट लिस्ट खोली ऊपर पढ़ा है हाँ अच्छा TS 52 ही है, फिर नीचे देखा बताइए AI 1 प्रदीप सिंह, भी बोला सही में असली मेरिट लिस्ट से कि ऐसे ही कोई नौटंकी कर मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरी मेरी सिलेक्शन हो सिलेक्शन गई। हो, पूरा रोडीज ही हुआ, इंटरव्यू में भी रोडीज वाला चल रहा था, बाद में रिएक्शन ही मेरा रोडीज वाला ही है मेरी सिलेक्शन हो गई। तो ऑल इंडिया रैंक 1 आया, फिर मैं भागते हुए ऊपर गया, पापा को बताया कि पापा TS की मेरिट लिस्ट आ गई ऑल इंडिया रैंक 1। ओ बोले वाह, मतलब फिर गले वाले लगाए, फिर विकास सर को कॉल किया स्ट्रेट अप, सर शायद GTO मॉक ले रहे थे किसी का, तो आई वाज हियरिंग पीछे से कि जेंटलमैन पुट द बल्ली देयर वगैरह मैंने कॉल किया सर, तो सर बोले कि मैंने बोला सर जैन सर, हाँ सर प्रदीप, अच्छा, मैं सर मेरिट लिस्ट चाहिए TS की, अच्छा कितनी आई हुई सर ऑल इंडिया रैंक 1, मैं क्या बात कर रहा हूँ, हाँ सर भेज मेरे को लिस्ट भेज, हाँ ठीक है सर। तो उसके बाद फिर आई सेंड, ग्रेट तो ग्रेट। अब मेरे को, मैंने सुमित सर का स्टेटस देखा था व्हाट्सएप पे, तो हाँ ही हैड शेयर TS 52 AIR 1। तो मैंने बोला सर बात करा दो सर लड़के से मेरी। तो ही गेव मी योर नंबर एंड आई वाज एबल टू कनेक्ट विद यू, सो आई वाज लकी दैट प्रदीप। सर लक्की, आई वॉज लक्की टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विथ यू, जो इतने साल से मतलब इतने साल क्या सर ऑलमोस्ट 1 साल से आई एम फॉलोइंग यू सिंस क्लास 12, आई यूज टू वॉच योर एवरी वीडियो अबाउट कि हाँ जो जब SSS आ रहे हैं या फिर कोई प्रीवियसली रिकमेंडेड आ रहा है, खासकर आपकी वो जो पॉडकास्ट वगैरह थे जुगाड़ू फौजी सर के साथ, वो सर तो आई इंजॉयड वेरी मच, वो बहुत क्रेजी बढ़िया लगती वही, थी। जोएडू सर के साथ दोनों, और एक अविनाश के साथ भी बनाई मैंने, हाँ दो तीन अविनाश सर के अविनाश साथ के साथ बनाई वो भी है, बहुत अच्छी वो मीम भी मीम वाली थी, हाँ एक वो मीम मीम भी रिव्यू अच्छा, बनाई थी। हाँ वही वो बहुत बढ़िया थी सर वो इंडिया किलो जंक्शन, क्रेजी सॉरी इंडिया जंक्शन वाले भागो यार क्रेजी। बट देखना जब तू तो एकेडमी जाएगा ये सब स्टोरीज तेरी भी बनेंगे। बस यही है कि ज्यादा सोचना मत, क्योंकि क्या रहता है जब आप इतने मतलब इंटेलिजेंट हो और बाहर भी आपके लिए यू नो वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो कहीं कहीं सर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं मतलब ये करने आया था, ऐसा हो हाँ सकता है तेरे को लगे। तो हाँ डोंट थिंक
नो सो लॉन्ग जस्ट थिंक कि भाई मुझे आज सर्वाइव करना है एंड आई हैव टू परफॉर्म फॉर टुमारो, थोड़ा सा रेस्ट रिकूप एंड गेट टू द टास्क। बाकी मैं तेरे को इंटरव्यू के बाद थोड़ा बात करेंगे इस बारे में। बिल्कुल थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग ऑन द चैनल। लास्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछने की कोशिश करता हूँ, व्हाट्स योर, नहीं, एक सेकेंड, तू रिकमेंड होने के बाद द स्क्रीन आउट भी हुआ था ना, हाँ सर, डेवी टेक तो उसमें उसमें क्या बोला फिर पेरेंट्स से जब तूने उनको कॉल किया कि पापा? सर ऐसे हुआ गया ना, वहां पे 3 बैचेस थे वाईसेक में, हाँ तो ऑब्वियसली मैक्सिमम टीएस वाले ही नेवी टेक पहुंचे हुए थे, तो मेरे साथ जो बंदे बिल्कुल, रेकमेंड हुए थे ना वो भी नेवी टेक मेरे से 1 बैच पहले पहुंचे थे। हाँ अब वहां पे उनके बैच में 4 पीआरस थे, मेरे को कॉल आता भाई चारों बाहर, तो कहीं ना कहीं मेरे को इल्म आ गया था कि भाई ये पीआर भगा रहे हैं, मैं भी कहीं स्क्रीन आउट ही होने वाला हूँ। तो मैं घर पे बोल गया था, मतलब ऐसा है कि सर मम्मी बोल रही थी कि अच्छा जूस वगैरह पैक कर देती हूँ, कि वो थोड़ा फास्ट वगैरह रहता है, एक दिन बीच में फास्ट पड़ रहा था, तो बोल रही कि जूस वगैरह रख देती हूँ बैग में ले जाना। मैं बोला मम्मी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को लगता है मैं तब तक घर आ जाऊंगा। भाई सोच, कहीं मैं स्क्रीन आउट हो गया। अगर तू तीनों रेकमेंड हो जाता तो पैरल कोर्स, डैम। सर तब मैं सोच रखा था क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं पोज डालूंगा ऐसे करके, बट यही पे रह गया। क्रेजी लास्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछने की कोशिश करता हूँ, तुझसे भी पूछूंगा, व्हाट्स योर मैसेज टू द एस्पिरेंट आउट देयर जो हार्ड वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहा है लेकिन उसका हो नहीं रहा है, वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया है या स्क्रीन आउट हो गया है या रिटर्न ही नहीं निकला है, व्हाट्स योर मैसेज फॉर हिम या हर? ओके सो सर, फॉर द मैसेज फॉर द एस्पिरेंट्स आउट देयर जिनका अभी कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, आइदर दे आर गेटिंग स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट या फिर रिटर्न वगैरह, सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी कि आप कितने उस चीज़ को लेके आप बैठे हुए। एंड रिटर्न इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड SSB इज ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आप एज अ पर्सनैलिटी अपने आप को कहाँ कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वही चीज शायद SSB में देखी जाती है। एंड सबके पास वो ऑयल क्यू सबके पास रहते हैं कहीं ना कहीं, एवरी वन इज ऑब्सर्व इन देम, बस उस चीज को दिखाना आना चाहिए। और चाहे वो रिटर्न की तो कि लाइक रिटर्न में भी पता सबको है कि हाँ मेरे को कहाँ से क्या कवर करना है, बट स्टिल कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या मेरे को हिट करना है वो नहीं समझ में आता। तो बस वो सही पॉइंट पे सही चीजें हिट करना और सही पॉइंट पे सही चीजें प्रेजेंट करना और किस वे में प्रेजेंट करना अपने आप को, वो फिर अपने आप सर एक पाथ मिल जाता है। ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेन्योर एट एनडीए। आई होप यू गो टू एनडीए बिकॉज आई वॉन्ट कि देर शुड बी सम चांस ऑफ यू गोइंग टू इंडिया स्क्वाडन, आई हैव माई इंजन्स सेल्फिश इंटरेस्ट इन दैट इंजन्स, तो इसी बहाने आई एम होपिंग टू इंडिया स्वन जाए और वहां पे 6 स्टार गोल्ड टॉर्ची बने और स्क्वाडन को ऊपर लेके जाए। सो ऑल द बेस्ट बडी एंड फॉर ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल्सो डू चेक आउट LWS, दे आर डूइंग फैंटेबलस वर्क। 90 से ज्यादा एनडीए में इस बार सिलेक्शन है तो दे आर होल्डिंग देयर फोर्ट एंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद ऑल डिटेल्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।